गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो शुरुआत करें हम आज के कक्षा की। 2 मिनट का टाइम मैं आप लोगों का लूंगा। यदि आप अपने तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, यदि आप यूपीएससी में अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। क्या सबसे नई और विशेष बात है को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो हम वादा करते हैं कि आपको 100% फी लौटा दी जाएगी। मतलब आपका चयन आपको पूरी तरह से फीस वापसी की बात करता है। और यदि आपका चयन नहीं होता है 2 साल या 3 साल के सब्सक्रिप्शन पर, तो हम आपको 1 से लेकर 2 साल तक का फ्री सब्सक्रिप्शन का भी वादा करते हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े तैयारी के लिए। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, इसे आप देख सकते हैं, जिसमें 16 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट शामिल किए गए हैं। एक नई शुरुआत की गई है, एक नई लॉन्चिंग है, मेंटरशिप प्रोग्राम यूपीएससी मार्गदर्शक, ₹490 प्रति माह के हिसाब से, ताकि यदि कोई विद्यार्थी क्लास नहीं कर पा रहा है तो सबसे मिनिमम प्राइस के साथ मात्र ₹490 प्रति माह की एडवाइस लेकर, इसे कहते हैं एक तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन कर देना शिक्षा का। क्या डेमोक्रेटाइजेशन? कि अब मुझे बताओगे ₹500 प्रति माह मेंटरशिप के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। कि अगर आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, तो आपको गाइडेंस तो मिल सके, आपको ये पता चल सके कि हाँ इसके लिए आपको अब आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से चीजें करनी चाहिए। तो मेंटरशिप प्रोग्राम की स्टार्टिंग की गई है यूपीएससी मार्गदर्शक के नाम से, इसे भी आप एमके लाइव रिफर कोड के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप का भी ऑप्शन है और ग्रुप मेंटरशिप का भी ऑप्शन है। 1-to-1 मेंटरशिप के आप देख सकते हैं कि ईयरली, और ग्रुप मेंटरशिप में आपको एक साथ कई विद्यार्थियों के रूप में टारगेटेड समझाया जाएगा। ये फीचर्स आप स्क्रीनशॉट लेकर देखते चलना। आरंभ और फाउंडेशन बैच, बाइलिंगुअल बैच, जो भारत के सबसे टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा तैयार किया गया बैच है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 29 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसी में 50% तक का डिस्काउंट चल रहा है। हिंदी का लक्ष्य बैच भी आ चुका है, 0% इंटरेस्ट का ईएमआई का ऑप्शन है। ऑप्शनल बैच लॉन्च हो चुका है, पीएसआईआर का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तनु, ठीक है? तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं हम। भारत का पड़ोसी देश जिसके साथ हमारे सीमा संबंधी विवाद चर्चा में रहते हैं, मतलब पाकिस्तान के बाद यदि सबसे ज्यादा सीमा संबंधी विवाद चर्चा में रहते हैं तो वो चीन के साथ रहते हैं। तो आज की कक्षा में हम पहले मतलब एक तरीके से स्टोरी पर गौर करेंगे कि चीन क्या चाहता है, चीन के क्या माइंडसेट हैं, भारत और चीन के बीच संबंधों का इतिहास क्या रहा है, और फिर वर्तमान की जो प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या पर्सपेक्टिव बना सकते हैं और चीन किस तरीके से उन चीजों को देख रहा है। तो थोड़ा सा हमें चीन की विदेश नीति समझनी होगी। जैसे भारत की विदेश नीति, अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं पंचशील की बातचीत होती है, गुजराल डॉक्ट्रिन दिमाग में रहता है, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी हम एक सॉफ्ट स्टेट है, क्योंकि पहले वार हम नहीं करेंगे या पहले यूज हम नहीं करेंगे परमाणु बम का। साथ ही साथ व्यवहारिकता में आर्थिक संबंधों पर हम ज्यादा फोकस रखते हैं, ये हमारी विदेश नीति के बड़े इंपॉर्टेंट भाग है। 21वीं सदी की विदेश नीति में भी हमने कई सारी चीजों को समझने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा चीन की विदेश नीति पर भी हम गौर करते हैं, क्योंकि चीन की पॉलिसी अगर हम समझ पाए तो आपको उसका माइंड सेट समझ में आएगा। वैसे तो चीन 1949 से पहले एक रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता था, चीन गणतंत्र कहलाता था वो, या चीनी गणतंत्र कहलाता था, आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 के पहले की बात करें,
एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार होती थी, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार होती थी, जैसे हमारे यहां चुनाव होते हैं बकायदा वैसे ही चुनी हुई सरकार हुआ करती थी, और बिल्कुल एक तरीके से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका इसके मित्र में रहा है चीन पुराने टाइम में, क्योंकि इसकी शासन व्यवस्था पूरी तरह से ना सही लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था की बहुत बड़ी समर्थक रही। चीन में काफी लंबे समय तक पूंजीवाद का प्रभाव रहा, और पूंजीवाद के कारण ही, कैपिटलिस्टिक होने के कारण ही, चीन के जो रिश्ते थे वह अमेरिका और यूरोप के साथ काफी बढ़िया से थे। द्वितीय विश्व युद्ध में यह मित्र राष्ट्र के गुट में ही था, मतलब उनके साथ ही लड़ा था। 1885 में चीन का जापान के साथ जब युद्ध हुआ तो जापान विजयी हुआ था, और जापान की जो पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं चाइना से बहुत अलग होती थी, और ताइवान जो द्वीप है जिस पर आज बड़ा विवाद चल रहा है, ये जापान ने अपने कब्जे में ले लिया था, मतलब जापान का शासन रहा उस पर। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका के हाथों जापान की न केवल हार होती है और जापान आत्मसमर्पण करता है, उसके बाद जापान एक तरीके से हारा हुआ राष्ट्र बन जाता है। इस कारण से जो ताइवान का द्वीप समूह है वो पुनः चीन को मिल जाता है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ताइवान जापान की जगह पर चीन का हिस्सा पुनः बन जाता है। अब चीन में डेमोक्रेटिक सरकार थी, पूंजीवाद था, ठीक ठाक सब चल रहा था, लेकिन मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी, खास करके जो भी ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर या जनजातीय क्षेत्र के लोग वहां के माने जाते थे, उनमें एक नाराजगी थी सरकार के प्रति। तब वहां पर जैसे हमारे यहां नक्सलवादी होता है वैसे ही वहां एक नेता माउथ से तुंग उभरा, जो कि चीन की डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ हमेशा ही न केवल बयान देते थे बल्कि संघर्ष या खूनी क्रांति की बात करते थे। माउथ से तुंग का एक बड़ा जाना माना स्टेटमेंट है कि सत्ता की शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, मतलब उनका ये जो है ना, जैसे हमारे यहां लोग मेरे हिसाब से ये ऐसे कथन टपोरी लोग देते हमारे यहां पर या फिर डॉन जैसे लोग देते हैं, माउथ से तुंग का यही बयान होता था कि सत्ता की शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, मतलब वो पूरी तरह से शक्ति हथियार या संघर्ष पूर्ण क्रांति में विश्वास रखते थे। तो 1949 में जब इस क्रांति को चीन में देखा दुनिया वालों ने, तो वहां की सरकार, क्योंकि इतना बड़ा विद्रोह जन आंदोलन होकर उभरा कि जितने भी सरकार की सेना थी, सरकार की पुलिस फोर्स थी, सबने सरेंडर कर दिया और सरकार को आनन फानन में ताइवान भागना पड़ा। ताइवान छोटा सा द्वीप, यहां की जो ओरिजिनल सरकार है वो भागकर ताइवान पहुंच गई। अब ताइवान से वो ये उम्मीद कर रही है, मतलब ताइवान से ये कल्पना कर रही कि वो धीमे धीमे अपने प्रभाव से वापस चीन की सत्ता को प्राप्त कर लेगी। मतलब 1949 की जो माउथ से तुंग की क्रांति होती है, उस क्रांति में माउथ से तुंग ओरिजिनल सरकार को न केवल डरा देता है बल्कि वो सरकार ताइवान जैसे छोटे से द्वीप पर शरण लेती है। काफी लंबे समय तक अमेरिका ने ताइवान को ही चीन माना, ताइवान को ही, काफी लंबे समय तक, मतलब 1971 तक, सोचिए 1949 से 1971 तक 22 वर्षों तक ताइवान को ही अमेरिका ने केवल और केवल चीन की सरकार का दर्जा दिया और माउथ से तुंग की सरकार को चीन की सरकार का दर्जा नहीं दिया। लेकिन धीमे धीमे चीन की माउथ से तुंग सरकार ने न केवल चीन के संसाधनों पर कब्जा किया बल्कि धीमे धीमे चीन की पूरी राजनीति और चीन के पूरे जनता का नियंत्रण और मान्यता भी प्राप्त कर ली। जैसे ही वहां की जनता की समर्थन के साथ वो सरकार आगे बढ़ी तो धीमे धीमे कई राष्ट्र जो ताइवान के साथ रिश्ते रखते थे उन्होंने ताइवान के साथ रिश्ते बंद कर दिए और चीन के साथ रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। तो 1949 की ये जो माउथ से तुंग की सरकार थी वो ताइवान में
चलती रही और आज भी ताइवान में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नाम से ही रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार चलती है, मतलब कई पीढ़ियों से वो चुनी हुई सरकार वहां पर चल रही है। अमेरिका अब वैसे तो एक संप्रभु राष्ट्र उसको मानता है, लेकिन चाइना को भी एक संप्रभु राष्ट्र मान चुका है और उनको कहता है कि वो दो राष्ट्र है। चीन के अब माइंडसेट को समझ लेते हैं। तो पहले तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि चीन में किस तरीके के परिवर्तन हुए, बदलाव हुए, और उस कारण से चीन में माउथ से तुंग की विचारधारा आप समझ में आ गई कि शक्ति के लिए ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब थोड़ा चाइना की फॉरेन पॉलिसी पर गौर करते, चाइना की विदेश नीति पर गौर करते। हमारी तरह चाइना की भी विदेश नीति कहीं ना कहीं बहुध्रुवीय विश्व की बात करती है, लेकिन चाइना की विदेश नीति के चार बड़े मकसद है, चार बड़े मकसद। पहला, वन चाइना पॉलिसी। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 1949 के बाद की। वन चाइना पॉलिसी, एक चीन नीति। क्या है भाई ये एक चीन नीति? चीन का प्राचीन काल से, मतलब पुराने टाइम में भी अगर किसी क्षेत्र पर कब्जा था तो माउथ से तुंग का कहना था कि उस पूरे क्षेत्र को हमारे चीन के साथ जोड़ा जाए। जैसे हम अखंड भारत की बात करते हैं ना, तो अखंड भारत मतलब कोई मान लीजिए कि भारत का कोई नेता कहे और वो एक तरीके से मान लो कि क्रांति के द्वारा यहां पर एक नई सरकार बनाए और कहे अब मुझे अखंड भारत बनाना है, तो फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सभी क्षेत्र क्योंकि पुराने टाइम में भारत के हिस्से थे, तो उसको उस पर हमला कर देगा और उसे कब्जे में करेगा। तो उसे हम कहेंगे वन इंडिया पॉलिसी, अगर मान लो ऐसा होता है। तो वैसे ही वहां के माउथ से तुमने वन चाइना पॉलिसी के तहत क्या क्या चीजें कब्जे में कर ली। तो सबसे पहले वन चाइना पॉलिसी के तहत मकाऊ, मकाऊ द्वीप उसको कब्जे में किया, हांगकांग, मकाऊ पुर्तगालियों के कंट्रोल में था, पुर्तगालियों से बातचीत की और कहा कि यहां से निकलो, वन चाइना पॉलिसी के तहत अभी हमारे कंट्रोल में है पूरी तरह से। तो पुर्तगालियों ने एग्रीमेंट की और निकल गए। हांगकांग, हांगकांग यूके के कंट्रोल में था, तो हांगकांग में एक पॉलिसी यूके ने कहा कि भाई ठीक है तुम्हारा है तुम ले जाओ, लेकिन वन नेशन, वन नेशन टू सिस्टम का फार्मूला अपनाया गया। वन नेशन टू सिस्टम का मतलब होता है कि एक राष्ट्र और दो तंत्र रहेंगे, भले ही पूरा चीन एक तरीके से कम्युनिस्ट सरकार को रखेगा, लेकिन हांगकांग में भी डेमोक्रेटिक सरकार चलती है। हांगकांग में जो लोकल गवर्नमेंट चुनी जाएगी, जो हांगकांग की सरकार होगी, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाएगी और उस सरकार का निर्णय ही वहां पर रहेगा। लेकिन जैसे सुरक्षा का मामला है, कम्युनिकेशन का मामला है, जो बड़े मुद्दे होते हैं विदेशी संबंध, वो चीन की सरकार देखती है। इस पर साइन हुआ, एग्रीमेंट हुआ और चीन की उस माओवादी सरकार ने कहा कि ठीक है हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं अगर हांगकांग की जनता इसके लिए तैयार है। तो इसीलिए आप कई बार सुनते होंगे कि हांगकांग में बड़े बिजनेसमैन जाते हैं, हांगकांग में बड़े उद्योग खुलते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हांगकांग में अलग तरीके का सिस्टम है। जैसे आज अमेरिका और यूके में डेमोक्रेटिक या भारत में डेमोक्रेसी है, वैसी ही डेमोक्रेसी वहां पर है। जैसे ऐसी कल्पना करो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, बस वैसे ही समझो कि हांगकांग को एक विशेष स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया, आज वही चल रहा है। तो हांगकांग भी कब्जे में आ गया। तीसरा तिब्बत, जिस पर कि तिब्बत पर तो पूरी तरह से एक तरफा आक्रमण किया और तिब्बत को भारत का कंट्रोल था, भारत से पूरी तरह से छीन लिया गया ऐसा समझो। और बचा फिर ताइवान। तो ताइवान पर अमेरिका ने 1980 में एक प्रस्ताव दिया था कि ठीक है भाई, अब चाइना को पूरी दुनिया मान रही है कि एक राष्ट्र है और ताइवान राष्ट्र नहीं है, तो वन नेशन टू सिस्टम यहां भी लागू किया जाए। लेकिन ताइवान में जो सरकार है वो नहीं कह रही है, वो कहती नहीं हमें नहीं रहना, हमें तो अपना एक अलग राष्ट्र ही चाहिए। तो अमेरिका एक तरीके के
हम कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए ताइवान एक ऐसी चीज बन गई है कि ना निगले जाए ना उगले जाए। छोड़ देगा तो फिर मैसेज जाएगा कि देखा अमेरिका ऐसे ही साथ छोड़ देता है, नहीं छोड़ता है तो ताइवान भी मानने को तैयार नहीं कि ठीक है वन नेशन टू सिस्टम अपना लिया जाए। तो अभी भी ताइवान पर जो विवाद है वो यही है कि क्या ताइवान चीन के अंतर्गत माना जाए। दुनिया के सभी देशों ने, यूनाइटेड नेशन ने मान लिया है, यूनाइटेड नेशन ने आज तक ताइवान को सदस्यता नहीं दी क्योंकि चीन का दबदबा है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में। और लंबे समय तक ताइवान को कभी भी, मतलब अमेरिका के अलावा कुछ ही राष्ट्र है जो ताइवान को एक सोवेरियन कंट्री मानते हैं, अन्यथा सभी लोग चीन का ही हिस्सा, भारत तक उसे चीन का हिस्सा ही मानता है। तो पहली फॉरेन पॉलिसी क्या है इंपीरियलिज्म की, साम्राज्यवाद की। फॉरेन पॉलिसी में चाइना में क्लियर है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत जितनी चीजें हमारी थी हम वो लेकर रहेंगे। और अभी भी दक्षिण चीन सागर का मुद्दा हो वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ही माना जाता है, ताइवान का मुद्दा हो वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ही माना जाता है, क्योंकि चीन की फॉरेन पॉलिसी का पहला मकसद तो यही है। चीन की फॉरेन पॉलिसी का दूसरा मकसद क्या है? तो चीन की फॉरेन पॉलिसी का दूसरा मकसद जो कि हम कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है, जब भी हम अध्ययन करेंगे तो इसी मकसद के बेसिस पर चीजों को समझा जाए, तो वो है आर्थिक महाशक्ति, इकोनॉमिकल सुपर पावर। आर्थिक महाशक्ति, इकोनॉमिकल सुपर पावर। और देखो ना आप लोग, चाइना धीमे धीमे आर्थिक इकोनॉमिकल सुपर पावर बन ही चुका है, मैन्युफैक्चरिंग का हब है दुनिया में, सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन चाइना का है दुनिया में, कई सारी इंडस्ट्री में चाइना नंबर वन पे है, परचेसिंग पावर पेरिटी के बेस पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका की दूसरे नंबर पर चली जाती है ऐसी परिस्थिति में। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना का दुनिया भर के लिए कि वह लगातार इकोनॉमिकल मजबूत होता चला जा रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी का ये भी एक बड़ा मकसद है। तीसरा, वो चाहता है कि दुनिया मल्टीपोलर रहे, बहुध्रुवीय रहे। वो चाहता है कि बहुध्रुवीय मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, केवल अमेरिका का दबदबा ना रहे, अमेरिका के साथ साथ चीन, रशिया, इन चीजों पर ज्यादा गौर किया जाए, इन राष्ट्रों को भी महत्व ज्यादा दिया जाए। तो हमने पहले ही दिन पढ़ लिया था कि चाइना चाहता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, बहुध्रुवीय, जो कि हम भी चाहते हैं। तो जब ये मुद्दा आता है ना, ये मुद्दा जब आता है तो चाइना और भारत मित्र बन जाते हैं, जब ये मुद्दा आता है तो चाइना और भारत कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, और जब ये मुद्दा आता है तो भारत और चाइना एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। यहां दुश्मनी है, यहां प्रतिस्पर्धा है, और यहां पर सहयोग है। अब तीनों शब्द समझिएगा, प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी में अंतर होता है। भाई आप सभी विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी है, कॉम्पिटिटर है, आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरे के दुश्मन का मतलब हुआ कि आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करना चाहते। तो तीनों मसलों पर जरा गौर करते चले कि वन चाइना पॉलिसी में हम चाहते हैं कि पूरी तरह से यहां पर हमारे कहीं ना कहीं जो हित है, इंटरेस्ट है, वो टकराते हैं। चाइना अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश का तवांग और कश्मीर में अक्साई चीन पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहता है, और हम चाहते हैं कि नहीं भाई ये तो हमारा क्षेत्र है, आप इसमें बिल्कुल चर्चाएं ना करो। आर्थिक महाशक्ति में हमारे व्यापार के संबंध है, हम चाहते कि बने रहे, पर हम चाहते कि देखो जितना सामान तुम हमें बेचते हो हमें भी उतना सामान बेचने का मौका दो, कॉम्पिटिशन की भावना है। और यहां तो हम मिलकर काम करना चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, केवल अमेरिका की नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो चीजें हमारे लिए खतरनाक हो जाएगी। और एक आखिरी मुद्दा चाइना की फॉरेन पॉलिसी का अगर हम कहें तो एशिया में यूनिपोलर का है, मतलब एक ध्रुवीय एशिया बनाना चाहता है। वो चाहता है कि जहां पर भी एशिया में भारत की बराबरी की बात आएगी तो भारत को महत्व ना दिया जाए। इसलिए तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में ये बदमाश भारत के
प्रतिनिधित्व का समर्थक नहीं करता, विरोधी होता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी में भारत का विरोधी बन जाता है। जहां भी एशिया में बराबरी का दर्जा भारत को देने की बात आती है तो वहां पर भी ये हमारा विद्रोही बन जाता है। यहां पर हमारा मतलब एक तरीके से मतभेद और उभर कर सामने आता है। एक और मुद्दा है जिस पर चीन की विदेश नीति काम करती है और भारत भी उसका समर्थक है, वो है पर्यावरण के मसले पर, इन्वायरमेंट के मामले में। इन्वायरमेंट के मामले में हम चाहते हैं कि विकासशील देशों पर जिम्मेदारी कम और विकसित देशों पर जिम्मेदारी ज्यादा हो। दुनिया का सबसे ज्यादा CO2 प्रोडक्शन करने वाली कंट्री चाइना है इस समय, और इसलिए चाइना भारत की आड़ लेकर, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर विकसित देशों पर दबाव डालने की बात करता है। यहां भी मित्रतापूर्ण संबंध है। तो अगर हम बातचीत करें तो नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन जगहों पर कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है, और कुछ जगह पर कॉम्पिटिशन है, कुछ जगह पर सहयोग है। तो ये चाइना की फॉरेन पॉलिसी के महत्वपूर्ण बिंदु है। अब वन चाइना पॉलिसी को हम समझते हैं, लिखना कुछ भी नहीं, सुनते चलिएगा, मैं पीडीएफ सब डलवा दूंगा और आपको एज इट इज लिख देना है जो भी पीडीएफ में रहेगा। तो पहले तो क्या आपको एक कहानी समझ में आ रही, वन चाइना पॉलिसी, इकोनॉमिकल सुपर पावर, वर्ल्ड को मल्टीपोलर बनाना, एशिया को यूनिपोलर बनाना, इन्वायरमेंट के मुद्दे में साउथ साउथ कोऑपरेशन या भारत के साथ एक बेहतर तरीके के रिश्ते बढ़ाना। मैं आपको इसमें थोड़ा सा ताइवान का मुद्दा पुनः समझा देता हूं कि ताइवान का मुद्दा क्या है। हांगकांग अब चीन के कब्जे में है, मकाऊ पूरी तरह से चीन के कब्जे में है, तिब्बत पूरी तरह से चीन के कब्जे में है। कोई डाउट आगे बढ़े हम एक बार कमेंट्स कर देना कि ठीक है यहां तक क्लियर हो गया, मैं आगे एक एक चीजें समझाते चलता हूं आप लोगों को। क्लियर है? ठीक है। तो हमारा टाइटल क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है? तो मोटे तौर पर हमें पढ़ना है पहले तो चीन के उद्देश्य, चीन की विदेश नीति के मकसद क्या क्या है, भारत चीन संबंधों की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और तनाव की क्या बिंदु है, वैश्वीकरण का दौर और भारत चीन संबंध, 21वीं सदी में भारत और चीन के संबंध, निकट भविष्य में चीन भारत संबंधों की प्रकृति और आयाम, समाधान और विश्लेषण, ये हमें कवर करना है। एक ही बार में सारी चीजों को हम कवर करते चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, वन चाइना पॉलिसी जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले हम उसी की शुरुआत कर लेते हैं। चाइना एक तरीके से दुनिया में अब सबसे बड़ी आबादी, अभी भी ऑफिशियली कहेंगे, अनऑफिशियली अब दूसरे नंबर का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। चाइना की सीमाएं 14 देशों के साथ मिलती है, 14 देशों के साथ। चीन के उद्देश्य और चीन की विदेश नीति वन चाइना पॉलिसी, जिसके तहत हांगकांग, ताइवान, यूके से लिया गया, वन नेशन टू सिस्टम, संप्रभुता, शासन व्यवस्था चीन की लेकिन प्रशासन यूके के जैसा, मकाऊ पुर्तगाल से लिया गया, वन नेशन टू सिस्टम, संप्रभुता, शासन व्यवस्था चीन की लेकिन प्रशासन मकाऊ का स्वयं का, भाषा यहां पर मंदारिन है। तिब्बत पूरी तरह से भारत से ले लिया गया और यहां तो कोई सिस्टम ही नहीं, जो चीन कहता है वही चलता है। लेकिन चीन ताइवान का ये जो मुद्दा है, ताइवान एक छोटा सा द्वीप है और बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है। अगर आप देखेंगे तो व्यापार की अगर हम बातचीत करें तो बहुत सारा व्यापार का मार्ग ताइवान से होकर गुजरता है, और इसलिए चीन कभी ताइवान को छोड़ना नहीं चाहता। हाल ही में चीन ने पुनः अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए ताइवान को अपना इंटीग्रल पार्ट बताया। वही ताइवान का कहना है कि वह एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है और चीन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। 1949 में गृह युद्ध के दौरान चीन और ताइवान अलग हो गए थे। गृह युद्ध के दौरान चीन की रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ताइवान में शरण लेती है। चाइना एंड ताइवान वर सेपरेटेड ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन 1949 एंड चाइनाज रिपब्लिक ऑफ
चाइना गवर्नमेंट शिफ्टेड और माइग्रेट इन ताइवान पर अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत ऐतिहासिक आधार पर ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह से उस पर नियंत्रण प्राप्त करने की वकालत करता है। यहां एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जरा गौर से सोचिए, चीन जैसा शक्तिशाली देश लेकिन एक छोटे से द्वीप को कब्जे में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आसान नहीं होता है किसी भी जगह किसी भी भूमि को इतना दुनिया के सामने कब्जे में ले ली, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भर में उसका विरोध भी होता रहेगा। इसलिए कई बार जैसे भारत में लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब भारत छीन लेगा, तो इतना सरल नहीं है। जब तक कि वहां के लोग विद्रोह ना कर दे, लोकल लोग मांग ना करे, तब तक चीजें उतनी आसानी से नहीं हो पाती है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि ताइवान को चीन का हिस्सा बनाने के लिए बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। वही ताइवान स्वयं को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है और अमेरिका जैसे देश द्वारा भी ताइवान को एक संप्रभु देश के तौर पर स्वीकृति प्रदान की गई है। हालांकि 80 के दशक में चीन ने संबंधों को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से एक देश दो प्रणाली के रूप में एक फार्मूला दिया था, पर जिसे के तहत ताइवान यदि चीन के साथ पुनः जुड़ जाता है तो उसे ऑटोनॉमी दी जाएगी, किंतु ताइवान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि ताइवान का तर्क था कि इससे ताइवान की सोवरनिटी संप्रभुता लिमिटेड हो जाएगी। ताइवान और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रतिष्ठित और वृहद संगठन में चीन के दबाव के कारण ताइवान बतौर सदस्य सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा अधिकांशतः देशों द्वारा भी ताइवान को संप्रभु राष्ट्र के तौर पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। भारत ने भी वन चाइना पॉलिसी को समर्थन प्रदान करते हुए ताइवान के साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। मतलब आज तक हमारा ताइवान में कोई राजदूत नहीं है, ना ही ताइवान के साथ हमारे विदेश नीति में कोई विशेष प्रकार के पहलू है। लेकिन 1995 में राजदूत तो नहीं, लेकिन थोड़े से राजनीतिक संबंध की भाई उनका कोई मंत्री हमारे देश में आ रहा है, हमारा कोई मंत्री वहां जा रहा है, ऐसी हल्की पुल्की शुरुआत 1995 में की गई थी ताकि चीन को संतुलित किया जा सके। दूसरा लक्ष्य जो है चाइना की फॉरेन पॉलिसी का, पूर्वी एशिया में महत्व को बढ़ाए। पूर्वी एशिया मतलब नॉर्थ कोरिया, जापान, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण पूर्वी एशिया, और इसके लिए उन्होंने RCEP क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की शुरुआत कर दी है। उत्तर कोरिया को बहुत समर्थन देता है और जापान जैसे अपने प्रतिद्वंदी के साथ भी अब रिश्ते सुधार रहा है। साथ ही साथ चीन के संबंध जो कभी अच्छे नहीं रहे रशिया के साथ, वो वर्तमान में काफी बेहतरीन दौर से होकर गुजर रहे हैं। तो चाइना और रशिया के संबंध आपस में और भी सुधर रहे हैं। एशिया में अपनी पकड़ वो बहुत मजबूत करना चाहता है, तो पूर्वी एशिया की जगह मैं ज्यादा वर्ड ये कहूंगा कि एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना। बहुध्रुवीय विश्व है, उसका मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ब्रिक्स, ब्रिक्स बैंक, शंघाई सहयोग संगठन, G20 जैसे संगठन, ताकि अमेरिका को संतुलित किया जा सके। अमेरिका को आर्थिक के साथ ही सैन्य और सामरिक मुद्दों पर चैलेंज, और अमेरिका से कूटनीति में भी वो चाहता है कि बिना युद्ध के अमेरिका पर वो वर्चस्व प्राप्त कर सके। और आर्थिक महाशक्ति, स्वयं को विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित करना, घरेलू उद्योगों के लिए संरक्षण, उनके घरेलू उद्योगों को आज भी चीन बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है जैसे अमेरिका प्रदान करता है। वहां भले कानून नहीं है लेकिन वो अपने उद्योगों को हर संभव मदद करता है। भारत के साथ कई प्रकार के सीमा संबंधी और अन्य मुद्दों पर तनाव के बावजूद वो अपने आर्थिक संबंधों को बेहतर रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है आर्थिक महाशक्ति तभी हो पाएंगे जब सभी के साथ आर्थिक संबंध होंगे। तो एक तरीके से चीन की फॉरेन पॉलिसी के हमें मकसद समझ में आ गए कि चीन चाहता क्या है, चीन की विचारधारा क्या है, चीन का थॉट क्या है, चीन किस तरीके की चीजों पर चर्चा कर रहा है। तो ये पहला पॉइंट हमें लिखना होगा पूरा कि चीन का माइंडसेट समझने के लिए कि चीन की विदेश नीति क्या है। अब थोड़ा चीन का शासन देखते हैं। 1949 में जब माओ त्से तुंग ने चीनी क्रांति की, चाइनीज रिवॉल्यूशन किया, तो उस समय
चीन में टारगेट किया गया था कि हमारे देश में सभी लोग बराबरी में आ जाएंगे, सभी लोग साम्यवादी कम्युनिस्ट, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई अगला पिछड़ा नहीं होगा, बिल्कुल सब लोग बराबरी में आ जाएंगे। और जिस दिन बराबरी में आ जाएंगे उस दिन 1949 में माओ ज़ेडुंग के द्वारा बनाया गया संविधान समाप्त तो हो जाएगा, और जिस दिन सभी लोग इक्वल हो जाएंगे एक नया संविधान लिखा जाएगा। मतलब चीन का संविधान परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे हमारे देश के संविधान में आपको कहीं भी ऐसा लगा क्या कि कहीं लिखा हुआ है कि ये संविधान 15 साल के लिए है, 20 साल के लिए है, 30 साल के लिए? कहीं नहीं है ऐसा टाइम पीरियड। लेकिन चीन के संविधान में भले ही टाइम पीरियड ना दिया हो लेकिन स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस दिन चीन में समता का सिद्धांत पूरी तरह से साबित हो जाएगा, चीन एक नया और परमानेंट स्थायी संविधान लिखेगा। तो तब तक चीन का संविधान कहलाता है ट्रांजिशनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कि वो अपने पूरे देश में समानता या समता की बात ना कर ले। चीन का संविधान परमानेंट नहीं है बल्कि एक संक्रमणकालीन संविधान है। इस संविधान का लक्ष्य है जनवादी गणतंत्र और समाजवाद, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सोशलिज्म। चीन के संविधान में लोकतंत्र, संप्रभुता, सेकुलरिज्म इत्यादि जैसे कोई संवैधानिक मूल्य नहीं है। बस एक ही मकसद है, अपने जनवादी गणतंत्र अर्थात श्रमिक वर्ग को पूरी तरह से शक्ति सौंपना, श्रमिक वर्ग को इतना मजबूती प्रदान करना कि वहां पर कोई ऊपर कोई मतलब अमीर और गरीब ना हो, कोई संपन्न और कोई विपन्न ना हो, कोई अगला और पिछड़ा ना हो। भविष्यवर्ती सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य पर अधिक बल रहेगा। राष्ट्रपति की बड़ी शक्तिशाली भूमिका तय की गई है क्योंकि कोई दूसरा दल ही नहीं है वहां पर, ना कोई दूसरा सदन, ना कोई दूसरा दल, और न्यायपालिका बहुत कमजोर है जो सरकार को कंट्रोल नहीं कर सकती। शक्तिशाली केंद्र और राष्ट्रीय हित और विदेश नीति में लचीलापन। अब समझना राष्ट्रीय हित लचीलापन मतलब क्या है। जैसे चीन का नेशनल इंटरेस्ट 1949 में वन चाइना पॉलिसी ज्यादा था, इस समय नेशनल इंटरेस्ट चीन का आर्थिक शक्ति है, तो ये बहुत ज्यादा समय समय पर बदलते रहता है इनका नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट वैसे सभी के बदलते हैं समय के साथ, लेकिन चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल बताया ही गया है कि समय समय पर चीन तय करेगा कि उसके नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और इसलिए उनकी जो फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ये चीन का शासन प्रणाली है, एक तरीके से गवर्नमेंट सिस्टम है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके का चाइना के अंदर सरकार चलती है। अब थोड़ा एक हिस्ट्री समझते हैं भारत और चीन संबंधों की। भारत चीन संबंधों पर एक कहानी समझते चलिएगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब चीन अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था तो चीन ने ही दबाव डाला था ब्रिटेन पर कि आप भारत को आजाद करिए, बिल्कुल डेमोक्रेसी में ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं। बड़ा मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि अच्छी सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार जो भी चीन की थी। लेकिन 1949 में माओ ज़ेडुंग की सरकार या माओ ज़ेडुंग चीनी क्रांति कर देते और श्रमिकों के साथ मिलकर उस सरकार को भगा देते हैं ताइवान में। वे सरकार छोटे से द्वीप पर शरण लेती हैं और वहीं से अपने चीन के निर्णय लेती है। लेकिन आज के दौर में अब वो चीन पर नहीं केवल अपने ही द्वीप पर निर्णय ले ले, वही बड़ी बात है। तो जरा हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। 1949 में चाइनीज रिवोल्यूशन हुआ, चीनी क्रांति हुई और माओ ज़ेडुंग ने एक कम्युनिस्ट सरकार बनाई, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई। भारत पहला देश रहा नॉन सोशलिस्ट में, क्योंकि समाजवादियों ने तो सब पहले समर्थन दे दिया चीन को। लेकिन 1 अप्रैल 1950 को भारत पहला देश बना डेमोक्रेटिक जिसने चीन की माओ ज़ेडुंग की सरकार को समर्थन दिया। समर्थन का मतलब क्या होता है सर? मतलब हमारी सरकार ने मान लिया कि अब हम ताइवान की सरकार को चीन की सरकार नहीं मानेंगे, ये माओ ज़ेडुंग की सरकार को हम चीन की सरकार मानेंगे। इसका मतलब अब भारत के चीन के साथ जो भी संबंध होंगे
उस पर जो बातचीत होगी, उस पर जो निर्णय लिया जाएगा, वो एक तरीके से 1949 में जो नई सरकार बनी है माओ त्से-तुंग की, उसके साथ होगी। इसलिए भारत और चीन के संबंध काफी बेहतर होने लगे। 1954 में चाइना ने पंचशील का सिद्धांत भारत के साथ, आपको पता होगा फाइव वर्चू मैंने बताया था, ये भी पारित हो गया, पंचशील का सिद्धांत भी लागू हो गया। पर 1958 में चीन ने एक डिस्प्यूटेड मैप जारी किया, डिस्प्यूटेड मैप, और इस डिस्प्यूटेड मैप में चीन ने क्या बदमाशी की, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा चीन में दर्शा दिया। 1958 में भारत ने इसकी आपत्ति दर्शाई कि भाई आप तिब्बत ले चुके वो ठीक है, लेकिन आप इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कैसे कह सकते हैं, ये तो पूरी तरह से भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हो। 1959 में तिब्बत में दलाई लामा के नेतृत्व में, दलाई लामा एक्चुअली तिब्बत का धर्म गुरु ही नहीं होता है, बल्कि तिब्बत के पूरे क्षेत्र में वास्तविक रूप में क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका डिसीजन दलाई लामा लेते हैं। मतलब एक तरीके से दलाई लामा मुख्यमंत्री समझो वहां के। तो वहां के जो चीनी सेना थी, उन्होंने तिब्बत के लोगों पर न केवल दबाव डाला अपने कल्चर को छोड़ने के लिए और चीन के जैसे कल्चर अपनाने के लिए, जैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर दबाव डाला था, तब दलाई लामा के नेतृत्व में विद्रोह उत्पन्न होता है और दलाई लामा को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए चीन की सेना आती है। इसी परिणाम स्वरूप दलाई लामा अपने कुछ अनुयायियों के साथ भारत में शरण की मांग करते हैं। 1959 में भारत उन्हें शरण देता है, मानव अधिकारों के नाम पर, सांस्कृतिक समानता के नाम पर, बौद्ध धर्म के नाम पर दलाई लामा को धर्मशाला में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला में एक तरीके से जगह दी जाती है कि वो वहां रह सकते हैं। चीन इस बात से नाराज होकर कहता है कि आपने दलाई लामा को किस कारण या किस आधार पर हमारे इंटरनल विषय के होने के बावजूद भी शरण दे दी। इस बात से खपा होकर 1962 में भारत पर हमला कर देता है चीन। भारत पर चीन का अटैक हो जाता है 1962 में, संबंध सबसे खराब हो जाते हैं। लेकिन 1976 में माओ त्से-तुंग की डेथ हो जाती है, 1976 में माओ त्से-तुंग मर जाता है, और माओ त्से-तुंग के मरने के बाद जो नई सरकार चीन की आती है उसकी भारत के प्रति थोड़ी विचारधारा अलग होती है। 1976 से भारत और चीन के बीच में पुनः संबंध स्थापित होना शुरू होते हैं, वहां के विदेश मंत्री यहां के विदेश मंत्रियों के दौरे होते हैं, भारत चीन संबंधों में एक नई शुरुआत होती है। और क्योंकि जरूरत दोनों को ही थी, क्योंकि दोनों काफी लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं और भारत और चीन दोनों ही अत्यधिक आबादी वाले देश थे, तो कोई भी एक दूसरे के मार्केट को, बाजार को छोड़ना नहीं चाहता था। इसी दौरान 1991 की घटना होती है, जहां पर भारत को एक झटका लगता है कि सोवियत संघ जो यूएसएसआर था उसका पतन हो जाता है, और जैसे ही उसका पतन होता है तो भारत अब सभी के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं भारत के संबंध चीन के साथ एक तरीके से उथल पुथल वाले रहे हैं, कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत बुरे, और कभी बिल्कुल सामान्य संबंध भी रहे हैं। तो ये एक तरीके के भारत और चीन के बीच में संबंधों का हिस्ट्री है, समग्र जो बिंदु है 1949 से लेकर 1991 तक की ये पूरी कहानी है। आइए जरा देखते हैं बिंदुवार।
1 अप्रैल 1950 को दोनों देशों के मध्य आधिकारिक रूप से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत होती है। चीन के जनवादी गणराज्य के साथ संबंध स्थापित करने वाला भारत पहला गैर समाजवादी देश होता है, मतलब नॉन सोशलिस्ट कंट्री होने के बावजूद भी भारत समर्थन देता है माओ ज़ेडुंग की सरकार को। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसके साथ विदेशी संबंधों के निर्धारण भी स्पष्ट हो गए। इस समय विदेश नीति के निर्धारक संदर्भ में भारत के समक्ष दो बड़े बिंदु सुरक्षा और विकास थे। सुरक्षा हमें पाकिस्तान से अपनी करनी थी, रियल में चीन से हमें डर नहीं था, लेकिन समय के साथ ये पता चला कि सुरक्षा केवल पाकिस्तान के साथ नहीं चीन के साथ भी देखना होगा। हालांकि सुरक्षा का मुद्दा मुख्यतः पाकिस्तान के साथ जुड़ा था, किंतु दूसरी ओर चीन द्वारा अपनी सीमाओं के निर्धारण के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। फलस्वरूप स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन द्वारा पंचशील जैसे सिद्धांतों के संबंधों का निर्धारण का आधार बनाया गया, किंतु शीघ्र ही चीन की साम्राज्य विस्तार की नीति ने इन सिद्धांतों पर वरीयता प्राप्त कर ली। चीन ने कहा, सब पंचशील वंचशील सब भाड़ में जाए, हमें तो अपना चाइना की वन चाइना पॉलिसी के तहत अपने पुराने सारे भागों को कब्जे में करना है। नव स्वतंत्र भारत पाकिस्तान के साथ ही चीन से संबंधों के निर्धारण में युद्ध अथवा सीमा तनाव को अधिक प्राथमिकता नहीं दे सकता था, तो भारत द्वारा उदार और व्यवहारिक नीति का अनुसरण किया गया। उदाहरण के लिए चीन ने ऐतिहासिक आधार पर भारतीय भूभाग में स्थिति के अंतर्गत आने वाले तिब्बत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसे भारत ने 1954 में उदार दृष्टिकोण दर्शाते हुए स्वीकार कर लिया। कुछ लोग आज के जमाने में ऐसे आरोप लगाते हैं कि ये नेहरू जी की गलती थी। मुझे आप बताएं, भारत अभी आजाद हुआ है, गरीबी बेरोजगारी जैसे बड़े चैलेंज हैं, कृषि प्रधान राष्ट्र है, और उससे भी बड़ी बात है कि शिक्षा स्वास्थ्य अवसंरचना इन सभी पर भारत ध्यान दे, कि भारत पहले कहे कि हम बाद में विकास कर लेंगे, हम बाद में चीजों को देख लेंगे, पहले हम तिब्बत को कब्जे में कर लेते हैं। भारत ने सोचा, भाई हम अपने ही लोगों को बेहतर तरीके की चीजें उपलब्ध करा दे, यही बड़ी बात है, और इसलिए भारत ने अपना पूरा फोकस अपने आंतरिक विकास पर रखा, और इसलिए तिब्बत जैसे मुद्दे पर उदारवादी लिबरल दृष्टिकोण अपनाते हुए चीन के उस दावे को स्वीकार कर लिया। वैसे तिब्बत को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पठारी प्रदेश है, नग्न है, मतलब कोई एक तरीके से हम कहेंगे कि वनस्पतियां भी नहीं है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को अपनाया गया, तो काफी उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। इसके बाद 1958 में चीन ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा और लद्दाख के कुछ हिस्से को चीनी अधिकार क्षेत्र में दर्शाते हुए एक विवादित मानचित्र जारी कर दिया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा, पुराने जमाने में अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था, इसे पुनः दोनों देश के बीच संबंधों में टकराव उत्पन्न होने लगा। ये जो तवांग क्षेत्र है, तवांग यही पर डोकलाम भी है, तो ये जो तवांग क्षेत्र है इस साइड में डोकलाम है, तवांग क्षेत्र इस पर काफी ज्यादा चर्चाएं चली और तवांग को अपने कब्जे में मानता है बार बार, ये मैकमोहन लाइन है। 1958 में तिब्बत में चीनी सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध लोकल लोगों ने व्यापक जन विद्रोह किया तिब्बत में। इस विद्रोह के प्रमुख नेता धर्मगुरु दलाई लामा थे। चीन ने कठोरता से इस विद्रोह का दमन कर दिया, जबकि दलाई लामा और उनके कुछ अनुयायी भारत में शरण ले ली। साथ ही साथ चीन का यह भी मानना था कि तिब्बत में चीनी सरकार के विरुद्ध होने वाला विद्रोह प्रायोजित था। चीन ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत ने जानबूझकर तिब्बत के लोगों को भड़काया है, जबकि ऐसा कहीं से कहां तक बातचीत ही नहीं थी। भारत ने अपने पंथ निरपेक्ष छवि का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दलाई लामा को शरण दी। दोनों देशों के मध्य संबंधों में तनाव का एक अन्य मामला और जुड़ गया। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के समक्ष न केवल चीन के कुटिल दृष्टिकोण को प्रकट कर दिया, बल्कि सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य महत्व की आवश्यकता को भी उजागर कर दिया। इसके बाद भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के साथ सीमा पर सैनिकों की तैनाती को लगभग दो गुना कर दिया। हालांकि भारत द्वारा इस दौरान भी चीन के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करते रहे, पर चीन की ओर से भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त वैसे नहीं हुई, किंतु 1962 के युद्ध में स्पष्ट कर दिया था कि चीन की मैत्रीपूर्ण नीति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 1967 में नाथुला दर्रे को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच पुनः झड़प हुई थी। नाथुला दर्रा आप जानते हैं कि सिक्किम के पास वाला जो भाग है,
क्योंकि यह सैन्य गतिरोध था, झगड़ा हुआ था एक तरीके से। नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत के मध्य एक प्राकृतिक सीमा के रूप में स्थित है। भारत के लिए इस दर्रे का काफी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसी के माध्यम से सीमा तैनात सैनिकों को हथियार और खाद्य सामग्री सुनिश्चित की जाती है। वही चीन इस दर्रे को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर पूर्वोत्तर के संदर्भ में भारत पर अपना कूटनीति और सैन्य दबाव बनाने का प्रयत्न कर रहा था, जो कि कमोवेश वर्तमान में भी जारी है। 1967 में इस दर्रे को लेकर हुए संघर्ष में भारतीय सेना का पक्ष मजबूत रहा और चीनी सैनिकों को अंततः वापिस लौटना पड़ा। मतलब 1967 में हल्की पुल्की जो लड़ाइयां हुई उसमें चीनी सैनिकों को पीछे कदम उठाने पड़े और फाइनली सिक्किम वाली जगह पर चीन कोई भी काम नहीं कर पाया। इससे भारतीय सेना के मनोबल में वृद्धि हुई, चीन द्वारा भी भारत की सैन्य क्षमता को स्वीकार किया जाने लगा। 70 के दशक में भारत चीन संबंधों में कुछ नवीन प्रवृत्तियां सामने आई। यह प्रवृत्ति लगभग 50 के दशक से विद्यमान थी, लेकिन अब थोड़ा सा मुखरित होने लगी, खास करके आर्थिक संबंधों में। 1976 में चीन, नए चीन के संस्थापक और वरिष्ठ नेता माओ त्से-तुंग की मृत्यु हो गई, जिससे चीन की अगली सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आए। माओ त्से-तुंग की मृत्यु से पूर्व तक चीन माओ की इस नीति का पोषक रहा कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है या बंदूक की नोक से निकलती है। माओ त्से की मृत्यु के बाद भारत द्वारा पुनः चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप भारत और चीन के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री द्वारा नियमित रूप से यात्राओं के दौर संचालित हुए। 76 से भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में सीमा तनाव के साथ राजनीतिक संवाद का दौर प्रारंभ हुआ कि चलो भाई झगड़े तो है लेकिन बातचीत तो करते ही रहेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन और भारत के बीच अब कोई युद्ध नहीं हुआ, किंतु नकारात्मक पक्ष यह रहा कि न तो दोनों देश सीमा संबंधी तनाव दूर कर पाए और ना ही दोनों देशों में फिर वो विश्वास, वह कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। इसके बाद फिर यूएसएसआर का विघटन होता है। भारत को एक झटका लगता है क्योंकि भारत के मैक्सिमम संबंध यूएसएसआर, सोवियत संघ, रशिया के साथ थे, किंतु इस समय तक भारत अपनी सैन्य और नाभि की शक्ति मजबूत कर चुका था। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण का युग प्रारंभ होता है। वैश्वीकरण के दौर ने भी भारत चीन संबंधों को व्यापक रूप से प्रभावित किया और दोनों देशों के मध्य सीमा संबंधी तनाव की जगह अब आर्थिक कॉम्पिटिशन ने बड़ा टारगेट ले लिया। दोनों ही देश अब परस्पर आर्थिक आधारों पर द्विपक्षीय संबंध और विदेश नीति को निर्धारित और संचालित करने लगे। जहां चीन ने आर्थिक महाशक्ति को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा, वही भारत अपने LPG के तहत ज्यादा से ज्यादा भारत के आर्थिक तरक्की और आर्थिक विकास के लिए काम करने लगा। तो 1991 के बाद दोनों के माइंड सेट में पूरी तरह से केवल और केवल एक ही चीज है और वो है आर्थिक शक्ति को बढ़ाना। वैश्वीकरण के दौर में और 21वीं सदी के प्रारंभ ने भारत और चीन की विदेश नीति और परस्पर संबंधों में बदलाव लाया है। वस्तुतः यह परिवर्तन तत्कालीन और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिवेश से भी निर्धारित और संचालित होते हैं। तो एक शॉर्ट में अगर हम कहें तो चीन द्वारा भारत की सैन्य क्षमता को स्वीकार किया जाने लगा, कब से? वो दर्रे के बाद, जो नाथुला दर्रे का झगड़ा हुआ। चीन के संदर्भ में भारत द्वारा सीमा सुरक्षा को मजबूती, उसको लिखोगे तो इसको मत लिखना, इसको लिखो तो फिर शॉर्ट में समझा देना। नाभि के हथियारों के विकास का मार्ग मजबूत हुआ, भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता का लाभ, हमने पाकिस्तान को भी एक तरीके से युद्ध में हराया। चीन पाकिस्तान गठजोड़ बढ़ने लगा। रूस के साथ ही भारत द्वारा अमेरिका से भी सैन्य सामग्री का आयात हुआ। थल सेना के साथ वायु सेना को भी महत्व दिया गया और चीन के प्रति भारत की नीति अब आदर्श की जगह व्यवहारिक होने लगी। फिर 1991 में द्विध्रुवीय विश्व की संकल्पना समाप्त हुई, बहुध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हुआ। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत और चीन की बढ़ती भूमिका, एशिया विशेषकर दक्षिण एशिया वैश्विक आकर्षण का केंद्र बना, हिंद प्रशांत क्षेत्र का बढ़ता महत्व, आर्थिक और व्यापारिक कारकों के साथ टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका। तो मोटे तौर पर क्या आप ये बात समझ पाए कि भारत और चीन के संबंध 21वीं सदी में, अभी नहीं बात कर रहे हम, लेकिन वर्ष 2000 तक कैसे रहे, कब खराब हुए, कब बेहतर हुए, कब उसमें बदलाव आए, किस तरीके की चर्चाएं हुई, एक कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो दो बातें अभी तक हमने समझी। पहली कि भारत चीन की विदेश नीति क्या रखती है टारगेट। दूसरी, भारत और चीन के विदेशी संबंधों में
1949 से लेकर तो वर्ष 1991 तक कैसे बदलाव हुए, कब खराब हुए, कब बेहतर हुए, किस तरीके की मानसिकताओं के साथ ये संबंध आगे बढ़ते चले गए। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं चाइना इन इट्स ज्योग्राफिकल बाउंड्री। मैंने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा सीमाएं नेपाल और रशिया और चीन की मिलती है अलग अलग देशों के साथ। रशिया की भी 14 देशों के साथ सीमाएं मिलती हैं और चाइना की भी 14 देशों के साथ सीमाएं मिलती हैं। चीन के साथ 14 देश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाहौस, म्यांमार, भूटान, नेपाल की सीमाएं लगती है जो विश्व में सबसे अधिक है। रूस के साथ भी इतनी देशों की सीमाएं लगती है। आप देखेंगे कि इधर कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, उत्तर कोरिया, फिर यहाँ पर म्यांमार के साथ साथ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कई देशों के साथ इसकी सीमा रेखा है। इसके अलावा समुद्र में 4 देशों के साथ ये नजदीक में है। चीन 4 देशों के साथ भू सीमा के अलावा जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस के साथ समुद्री सीमा लगी हुई है और इन सीमाओं को लेकर चीन का विवाद चलता रहता है। अब अगर आप ये देखेंगे कि दक्षिण एशिया में आखिर इतने झगड़े क्यों हैं सीमा संबंधी विवादों को लेकर, तो थोड़ा कहानी बता रहा हूं, पुनः ध्यान से सुनना कि क्यों एशिया में इतने सीमा संबंधी झगड़े हैं। तो उसके 2 बड़े रीजन माने जाते हैं, मतलब जो विश्लेषक है, जो चिंतक है, वो 2 बड़े रीजन देते हैं कि क्यों एशिया के देशों में सीमा संबंधी विवाद कुछ ज्यादा ही है। तो पहला रीजन है, देखो, एशिया में, अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका में अगर आप प्राचीन काल का इतिहास पढ़ोगे ना, तो कभी भी सीमा रेखा बहुत कठोर नहीं रही। कठोर नहीं का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि 2 राज्य हैं ए और बी, तो इनके बीच में बाउंड्री ऐसी बिल्कुल तय नहीं हुई कि ये मेरा घर, ये तेरा घर, ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि फ्लेक्सिबल होती थी। फ्लेक्सिबल, कोई नेचुरल नदी मिल रही है तो मान ली कि वही बॉर्डर है, कोई पहाड़ मिल रहा है तो मान लिया कि वही सीमा रेखा है। एक तरीके से प्राकृतिक बैरियरों को ही सीमा रेखा माना गया है एशिया में और अफ्रीका में, और इसीलिए तो जब युद्ध होते थे 2 देशों के बीच में तो कभी उसकी सीमा रेखा इधर चली आती थी और वो इतना बड़ा क्षेत्र मान लिया जाता था, तो कभी इसकी सीमा रेखा नीचे की ओर प्रवेश कर जाती थी। फ्लेक्सिबल सीमा रेखा रही। लेकिन यूरोप के ये देश जब यहां एशिया में हमें गुलाम करने आए, हमें कहिए, एशिया के देशों को कहिए, चीन को कहिए, इनको जब गुलाम करने आए, तो यूरोप में सीमा और सीमा रेखा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता था। ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, ये सभी जो देश थे ना, इनकी सीमा रेखाओं में बहुत स्पष्टता की बातचीत रहती है। तो जब ये एशिया में आए तो इन्होंने भी सीमा रेखा कुछ वैसी कठोरता के साथ लागू करने की कोशिश की। जब ये चले गए तो फिर दोनों देश अपने अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, अपने अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, कभी सीमा रेखा तिब्बत की मान लेंगे तो कभी कहेंगे कि नहीं, तिब्बत वाला पूरा हिस्सा चीन का है, कभी कहेंगे कि तिब्बत वाला हिस्सा भारत का रहा होगा, और इसलिए झगड़े एशिया में, अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका में सीमा संबंधी कुछ ज्यादा ही मिलते हैं। इन विवादों का प्रमुख कारण क्या है? अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि एशियाई देशों के बीच सीमा विवाद की जड़ों में उन पर हुआ उपनिवेशिक शासन प्रमुख कारण है। उभयनिष्ठ संस्कृति न होने के बावजूद भी उपनिवेशिक शक्तियों ने मनमाने तरीके से कई आधुनिक देश बना दिए। आधुनिक देश का मतलब उन्होंने बाउंड्रियां बना दी, जबकि अफ्रीका, एशिया और अमेरिका जैसे कई क्षेत्रों के बीच, दक्षिण अमेरिका विशेष करके,
देशों के कई क्षेत्रों के बीच कठोर सीमाओं की अवधारणा कभी रही नहीं। इन क्षेत्र या देशों के बीच विभिन्न जाति और संस्कृति के आधार पर लचीली या कम बाधित सीमाएं थी। पूरी तरह सर्वेक्षित क्षेत्रीय राज्य का विचार एक आधुनिक पश्चिमी अवधारणा है। मतलब पूरी तरह से एक तरीके से सर्वे किया हुआ, बाउंड्री बनाई गई, ये सब कंसेप्ट यूरोप ने लाए हैं जो उनके उपनिवेशों पर भी थोप दिए गए और कई बेमेल देश अस्तित्व में आए। इस समय अवधि में चीन को भी कई संधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे असमान थी और वर्तमान विवादों में से अधिकांश इन्हीं के कारण है। चीन के अधिकांश सीमा विवाद इसी उपनिवेशिक काल की देन है। मतलब अधिकतर जगह पर जो चीन के विवाद है या चीन के जो सीमाओं के साथ झगड़े हैं वो कहीं ना कहीं इसी घटना का परिणाम मानी जाती है। उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रूस और जापान के साथ कई प्रकार की संधियां करने के लिए मजबूर किया गया और संधियों के कारण ही आज इनके साथ इनके झगड़े हैं। अब आते हैं चीन और भारत सीमा विवाद पर। अब जरा ध्यान से समझना इसकी भी हिस्ट्री। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि चीन की सीमा रेखाएं कितने देशों के साथ मिलती और क्यों झगड़े हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में प्राचीन समय में कभी दक्षिण एशिया में या पूरे एशियन महाद्वीप में सीमाओं को बहुत कठोरता से लागू नहीं किया गया था। वो कल्चरल डिफरेंस के आधार पर फ्लेक्सिबल सीमा विवाद रहता, सीमा रेखा होती थी। लेकिन जब ये यूरोपियन देश भारत में प्रवेश किए, एशिया में प्रवेश किए, तो उन्होंने बिल्कुल सर्वे के साथ एक कठोर सीमा का निर्धारण करना शुरू किया, जिससे कि फिर सीमा संबंधी विवाद आज जब वो चले गए तो मुखर हो उठते हैं। अब चीन और भारत के सीमा संबंधी विवाद, सबसे बड़ा कारण तो चलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। 1914 में मैकमोहन जी की अध्यक्षता में भारत और तिब्बत के बीच में, भारत और तिब्बत के बीच में सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। चीन का यह कहना है कि हम मैकमोहन लाइन नहीं मानते। हमने कहा क्यों नहीं, तो कहते दो रीजन। पहले तो तिब्बत को यह अधिकार नहीं है कि वह सीमा रेखा पर कोई निर्णय ले, क्योंकि तिब्बत तो चीन का एक अधीनस्थ भाग है। दूसरा, ये जो मैकमोहन लाइन बनाई गई है यूके के साथ, चीन की बगैर मध्यस्थता के तिब्बत और इनके बीच में हुई, जहां यूके ने अपनी एक तरफा मनमर्जी चलाई। हम कहते भाई 1914 में तिब्बत पर आपका कोई अधिकार था ही नहीं, तो तिब्बत ने जो निर्णय लिया वो उसके अपने आत्मनिर्णयन के कारण लिया है, तो इसलिए आपको वही मानना चाहिए कि वो तिब्बत और ये भारत है। तो पहली झगड़े का कारण सीमा संबंधी विवाद का ये मैकमोहन रेखा और तिब्बत का विवाद है। दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण, एक कहानी ये भी है कि जब कहीं दो देशों के बीच में बाउंड्री तय होती है तो उसके तीन चरण होते हैं। पहले तो अलोकेशन होता है, किसी प्राकृतिक पर्वत, नदी या कृत्रिम आधार के आधार पर सीमा को डिसाइड करने की बात आती कि देखो भाई आपका ये वाला हिस्सा रहेगा, मेरा ये हिस्सा रहेगा, ये पहला चरण होता है। उसके बाद जमीनी स्तर पर तय की जाती है कि एग्जैक्ट सर्वे करके कहां से लाइन बनाई जाएगी, जिसको कहते हैं डीलिमिटेशन। तो पहले अलोकेशन होता है, फिर डीलिमिटेशन होता है, जिसके तहत दोनों देशों के मध्य संपर्क क्षेत्रों को अलग करने वाले बिंदु और रेखाओं को डिसाइड करते हैं। और उसके बाद फिर होता है डीमार्केशन, मतलब सीमा तय कर दी जाती है कि भाई इस तरीके से एक वैध प्रक्रिया में दोनों पक्ष द्वारा स्वीकृत सीमा पर जमीन पर लोकेशन दे दी जाती है कि ये चीन हो गया और ये भारत हुआ। तो भारत और चीन के मामले में अलोकेशन की प्रक्रिया तो हो गई कि हिमालय के ऊपर वाला भाग चीन है और हिमालय के नीचे वाला भाग भारत का है, लेकिन इस अलोकेशन के बाद डीलिमिटेशन की प्रक्रिया भारत और चीन के बीच में नहीं हुई है, या फिर हम कहेंगे कि डीमार्केशन की प्रक्रिया भारत और चीन के बीच नहीं हुई और इस कारण से झगड़े बढ़ते गए। हिमालय जल विभाजक को भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा के आधार के रूप में माना जा सकता है,
परंतु भारत चीन सीमा निर्धारण में उपयुक्त तीन चरणों में दूसरा और तीसरा चरण कभी पूरा हुआ ही नहीं और यही स्थिति दोनों देशों के मध्य विवाद को जन्म देती है। मतलब अगर आप समझना चाहें कि भारत और चीन में ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, तो जिस आधारों पर, जिन प्रक्रिया से होकर दो देशों के बीच में सीमा का बंटवारा होता है, जगह का बंटवारा होता है, वो तीन चरणों में पूरी होती है, अलोकेशन, डिलिमिटेशन, डीमार्केशन। लेकिन अलोकेशन के बाद ना तो डिलिमिटेशन हुआ ना डीमार्केशन हुआ और इसी कारण से विवाद समय के साथ बढ़ने लगे। मैकमोहन रेखा, वस्तुतः मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के मध्य की सीमा रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में भारत के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के माध्यम से हुआ था। इस सीमा रेखा का नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम के आधार पर हुआ, जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में विदेश सचिव थे और इनकी समझौते में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1950 से चीन इस मैकमोहन रेखा को भारत चीन सीमा रेखा के रूप में मान्यता नहीं देता। माउथ से तुमने कहा, हम इसको मानते ही नहीं। चीन का तर्क है कि प्राचीन काल से तिब्बत चीन का अंग रहा, जबकि भारत मैकमोहन रेखा को आधिकारिक रूप में मान्यता प्रदान करता है। ये पूरी मैकमोहन रेखा है, यहाँ ऊपर से नीचे की अगर हम बात करें। चीन का कहना है कि ब्रिटिश सरकार और तिब्बत को सीमा पर चर्चा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। मतलब तिब्बत को कैसी हिम्मत हुई कि उसने चर्चाएं कर ली बॉर्डर की। चीन की अनुपस्थिति में ब्रिटिश और तिब्बती के बीच मैकमोहन लाइन पर चर्चा हुई, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा चीन कहता है। तिब्बत के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को ब्रिटिश भारत में घोषित कर दिया गया। इसमें अरुणाचल का तवांग क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया। ऐतिहासिक रूप से इस हिस्से को दक्षिण तिब्बत के नाम से जाना जाता है। अब देखो चीन कितना बदमाश है, वो कहता है ऐतिहासिक रूप से इस हिस्से का नाम क्या रहा, दक्षिण तिब्बत। तो जब तिब्बत हमारा है तो दक्षिण तिब्बत भी तो हमारा है। तो हमने कहा भाई अगर ऐसा है तो ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर पे हिंद नाम रहा है, तो क्या पूरा महासागर हमारा हो गया, पूरे द्वीप हमारे हो गए, पूरे रास्ते हमारे हो गए? केवल ऐतिहासिक चीजों के आधार पर नहीं बात समझ में आती ना। दूसरी बात, तवांग और तिब्बत के बीच में बहुत बड़ा पर्वत महान हिमालय खड़ा है, कैसे कनेक्टिविटी रहेगी? दूसरी बात, तवांग और चीन के बीच जो तिब्बत है, दोनों में सांस्कृतिक डिफरेंस बहुत ज्यादा है, दोनों का कल्चर बहुत अलग है, लेकिन फिर भी चीन मानने को तैयार नहीं है। 1950 में तिब्बत ने स्वतंत्र क्षेत्र का अपना दर्जा खो दिया और यह क्षेत्र भारत के नियंत्रण से चला गया। चीन के इस क्षेत्र पर दावे के जवाब में भारत यह तर्क देता है कि जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी तब तिब्बत पर चीन की संप्रभुता नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि चीन के नियंत्रण में आ गया। सीधा यहां ऐसा लिखो, चीन के क्षेत्र पर दावे के जवाब में भारत यह तर्क देता है कि भाई जब मैकमोहन रेखा खींची गई तब तिब्बत पर किसी का नहीं, वो स्वतंत्र निर्णय लेता था, आप तो बाद में आए हो। इसके अलावा ऐतिहासिक रूप से भी अरुणाचल प्रदेश पर चीन का कोई दावा नहीं बनता। चीन में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां दक्षिण को अपने अधिक निकट मानती, क्योंकि 14,000 से 18,000 फीट ऊंचे दर्रों के कारण तिब्बत के साथ कोई संपर्क था ही नहीं। तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे पाकिस्तान के साथ LOC है, चाइना के साथ रियल में LAC है। LAC 1962 में जब चाइना ने भारत पर एक तरफा युद्ध थोप दिया तो चाइना जो अरुणा कश्मीर का हिस्सा है उसमें अंदर तक आ गया, और 1962 के बाद अक्साई चीन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। इस मैप को गौर करिएगा, तो ये है LAC मैकमोहन लाइन, तो ये होती है, तो ये है LAC। आज LAC के अंतर्गत ही भारत पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अक्साई चीन पर मतलब नियंत्रण नहीं है, अक्साई चीन पर पूरी तरह से चाइना का नियंत्रण है। ये एक तरीके से मैकमोहन लाइन है अगर देखा जाए तो इसको, लेकिन ये मैकमोहन लाइन चीन नहीं मानता, यहां से वो लाइन मानता है जो कि एक तरीके से LAC है। यहां पर भी वो लाइन ये मानता है कि ये वाला जो क्षेत्र है
ये हमारा है, और यहाँ जो डोकलाम का झगड़ा हुआ था, अभी डोकलाम ये तीन देश है यहाँ पर एक तरीके से, भारत इधर से भूटान और इधर से चाइना। हमने कहा भूटान से कि भाई तुम भी नाराजगी व्यक्त करो, तो भूटान कहता है कि हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, जो भी हुआ वो चाइना के क्षेत्र में ही हुआ है। 4057 किलोमीटर लंबी यह सीमा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को पृथक करती है। मतलब अगर पूरी बात करें तो ये पूरा 4000 किलोमीटर आसपास है। यह रेखा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा ही है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। एक और भारत मानता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई 3440 किलोमीटर है, वही चीन मानता है कि नहीं ये केवल 2000 किलोमीटर लंबी है। आइए जरा देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो दो तीन विवाद हुए हैं, एक तो डोकलाम का जो विवाद हुआ है, गलवान घाटी का जो विवाद हुआ है, ये गलवान घाटी और ये डोकलाम। डोकलाम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत भूटान और चीन के बीच का ट्राइंगल है। मतलब मैं मैप में दिखाने की कोशिश करता हूं, ये है डोकलाम, इधर इंडिया, ये चाइना, इधर भूटान। तो वास्तविक रूप में इंडिया ने एक तरीके से विरोध दर्ज किया, लेकिन इस विरोध में कहीं से कहां तक भूटान ने हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि भूटान ने कहा कि नहीं चीन अपने ही सीमा के अंदर जो है वो कर रहा है सारी कार्रवाइयां। तो ये वाला जो हिस्सा है डोकलाम वाला, ये वास्तविक रूप में भूटान के नेतृत्व में है और चीन यहां तक आ चुका है, लेकिन भूटान कह रहा है कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीके से चाइना ने क्लेम किया है और रियल में चाइना भूटान बॉर्डर, जो कि इंडिया मानता है कि ये वाली बॉर्डर है आपकी, दूसरा गलवान घाटी, जो कि गलवान घाटी का मुद्दा तो ऐसे जानबूझकर चाइना लेकर आया क्योंकि भारत सरकार अपने एलएसी से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक बेहतरीन सड़क बना रही है ताकि गलवान घाटी के सैनिकों को केवल हवाई मार्ग से ही रसद ना पहुंचाई जाए, खाना पीना ना पहुंचाया जाए, बल्कि बाय रोड भी हम उन तक खाना पीना और चीजों को 12 महीने पहुंचा सके। इस सड़क के निर्माण से चिंतित चाइना ने ध्यान हटाने के लिए और जानबूझकर सड़क निर्माण को रोकने के लिए गलवान घाटी में ऐसी हरकतें की। गलवान घाटी में भारत सड़क बना रहा है जिसका नाम दारपुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड है। ये सड़क भारत चीन एलएसी के लगभग समानांतर है और चीन से केवल 9 किलोमीटर दूरी पर है। वर्तमान में यहां पहुंचने का एकमात्र तरीका सैन्य हवाई पट्टी है, अतः सड़क से सैन्य सामान पहुंचाना आसान होगा यदि ये रोड बन जाती है तो। यह सड़क काराकोरम के निकट तैनात भारतीय सैनिकों को सैन्य और खाद्य सामग्री की सप्लाई के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं भारत के लिए सामरिक मुद्दा है, भारत के लिए रणनीतिक मुद्दा है ये, ताकि सीमा पर सैनिकों को बेहतर तरीके से चीजें पहुंचाई जा सके। रोड बनने से पहले क्षेत्र में तैनात भारतीय सेना के लिए भारी रसद पहुंचाना संभव नहीं हो पाता था, लेकिन अब ये इलाका वर्ष भर संपर्क में बना रहेगा। इस रोड के बनने से चीन अधिकृत जम्मू कश्मीर और भारत के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की स्थिति मजबूत होगी। इसी सड़क के निर्माण कार्य को रोकने के लिए चीन ने तनाव की स्थिति निर्मित की। चीन की चिंता का एक और कारण यह है कि भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, जो कि उनके लिए एक चैलेंज है। इससे सामरिक स्थिति के महत्वपूर्ण स्थानों के साथ सीमा सुरक्षा मजबूत होगी। चीन पर भारत सामरिक और रणनीतिक दबाव बनाने में सक्षम हो पाएगा। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख में है। इस घाटी में शोक और गलवान नदियों का संगम है। 61-62 के बाद ये घाटी बिल्कुल शांत रही है। पिछले 2 दशक में दोनों सेनाओं के बीच कोई झड़प भी नहीं हुई, लेकिन जो पिछले 2 साल में हुई है वो काफी दयनीय स्थिति में है। ये शोक नदी है, ये गलवान नदी है और ये भारत की सड़क आप देखना चाहे अगर तो।
ये सड़क गुजर रही है भारत की, जिसको चीन नहीं चाहता है कि डेवलप्ड हो सके। ২০২০ के बाद चीनी सेना गलवान घाटी में अपने क्लेम लाइन से 2 किलोमीटर आगे चली आई और भारत की सड़क से 2 किलोमीटर दूर। दरअसल गलवान नदी जिस शोक नदी में मिलती है उसके ठीक पास से ही भारत सेना की एक सड़क भी गुजरती है। भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक दृष्टि से घाटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनेक्शन है इसके साथ पूरे एशिया का। इस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ रणनीतिक रूप से सेना को लाभदायक स्थिति प्रदान करते हैं। क्या आप सजेशन देंगे सीमा संबंधी विवादों के समाधान के लिए? तो जितना हो सके चीन को 2 बातों में हम मना सकते हैं। पहला, ये अमेरिका की साजिश है। कैसे? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि यह दोनों एशियाई शक्ति कभी मित्रता कर ले, क्योंकि अगर ये दोनों देश मित्रता कर लेंगे तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। तो चीन के साथ भारत के संबंधों को खराब करना भी अमेरिका की विदेश नीति का एक बड़ा मकसद है। दूसरा, वर्तमान की 21वीं सदी में कितना बड़ा देश है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कितना आर्थिक रूप से शक्तिशाली है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीन को ये बात बतानी चाहिए, चीन को ये बात समझानी पड़ेगी कि भाई आप सीमा संबंधी ऐसे झगड़े करोगे तो नुकसान दोनों का होगा, आपकी भी सेना और हमारी सेना को चैलेंज झेलने पड़ेंगे, और आर्थिक विकास का ये दौर है तो आर्थिक विकास पर काम किया जाए, न कि इन सीमा संबंधी विवादों को बढ़ाया जाए। भारत और चीन को आपसी द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से अपने सीमा संबंधी तनावों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार की युद्ध जैसी स्थिति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। चीन को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि 21वीं सदी में विकास का मार्ग क्षेत्र विस्तार नहीं है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के प्रसार पर निर्भर करता है। भारत को इस संबंध में चीन से उच्च स्तरीय वार्ता करनी चाहिए और आपसी संबंधों को आर्थिक और सांस्कृतिक माध्यम से घनिष्ठ करने का प्रयत्न करना चाहिए। दोनों देशों को यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका जैसा देश एशिया की इन दोनों उभरती महाशक्तियों से चिंतित है और फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण कर रहा है। अतः दोनों देशों को आपसी सुलह से इस प्रकार के चीन संबंधी विवादों को सुलझाना चाहिए तथा तीसरे पक्षकार की भूमिका से बचना चाहिए। PSIR ऑप्शनल पेपर में एक सवाल आया था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हाल ही की भारत और चीन के बीच उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की रक्षा और विदेश नीति के विकल्पों की व्याख्या कीजिए। तो रक्षा के रूप में हमारे पास आधुनिक हथियार है, ट्रेन सैनिक है, हमारी स्थिति काफी बेटर है, पर विदेश नीति के रूप में हम कहेंगे कि 2 बड़ी पहलू हैं, चीन को समझाना और दूसरा विवादों को हल करने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत पर ज्यादा फोकस करना। तो ये भारत और चीन के बीच में सीमा संबंधी विवाद हैं जो अभी भी चल रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं व्यापारिक संबंधों पर या फिर 21वीं सदी के भारत चीन संबंधों पर। आगे बढ़ने से पहले अभी कोई दिक्कत लग रही हो मुझे पूछ सकते हैं आप लोग। कोई डाउट नहीं है। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं 21वीं सदी के संबंधों पर। अभी तक हमने देखा एक तरीके की हिस्ट्री क्या रही चीन की, चीन का मकसद क्या है, साथ ही साथ हमने जानने की कोशिश की है कि चीन वर्तमान में जो भी सैनिक झड़प हो रही है उसमें क्या रणनीति है। हो सकता है वो अमेरिका की पॉलिसी हो सकता है कि चीन की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम, लेकिन इसका एक ही समाधान है, बातचीत। कई बार लोग उन्माती होकर कहते हैं चीन के सामानों पर बैन लगा देना चाहिए, किसी भी भारतीय ने चीन का सामान खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि हम किन सामानों पर बैन लगाएंगे, किन सामानों को मना करेंगे। भारत के कई सारे प्रोडक्ट उनपे जो डब्बा ऊपर का है वो बस मेड इन इंडिया डब्बा है, लेकिन अंदर पूरी तरह से सामान मेड इन चाइना का है। यहां तक कि आईफोन भी मेड इन चाइना ही है।
तो 21वीं सदी में भारत और चीन के संबंधों की प्रकृति, 21वीं सदी में वैश्वीकरण के व्यापक विस्तार के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी के युग ने भारत और चीन के संबंधों के संदर्भ में पारंपरिक मुद्दों को अब सेकेंडरी बना दिया है, गौन कर दिया है, मतलब अब नए तरीके से संबंधों पर गौर होती है। बात साइबर सिक्योरिटी की आ सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आ सकती है, व्यापार की आ सकती है, लेकिन अब एक तरीके से हम कहेंगे इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो हमारे ट्रेडिशनल इश्यूज हैं वो अब हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ही सेकेंडरी हो गए हैं। हालांकि कमोवेश स्वरूप में सीमा संबंधी विवाद अभी भी विद्यमान है, किंतु इन विवादों का स्वरूप और प्रकृति बदल चुकी है। उदाहरण के लिए वर्तमान चीन द्वारा सीमा पर तनाव जैसी गतिविधियां उत्पन्न करके उसके साम्राज्य विस्तार की मूल नीति का हिस्सा ना होकर भटकाव और उलझन पैदा करना हो गया है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो वर्तमान में चीन अब अपना क्षेत्र बढ़ाना नहीं चाहता है, बल्कि जानबूझकर भारत को युद्ध में, जानबूझकर भारत को ऐसे झड़पों में संकेंद्रित करना चाहता है ताकि भारत की सरकार का ध्यान विकास की जगह पर ऐसे मुद्दों पर चला जाए और जिससे भारत की आर्थिक प्रगति या आर्थिक तरक्की रुक जाए। इसका हालिया संदर्भ डोकलाम और गलवान घाटी जैसे मुद्दों के संदर्भ में समझ सकते हैं। इसका प्रमुख कारण भारत की दक्षिण एशिया के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुखरित होती भूमिका, नाभिकीय और सैन्य क्षमता में चीन से समतुल्यता और आर्थिक स्तर पर बढ़ता महत्व है। आर्थिक संदर्भ में भारत और चीन के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने दोनों देशों के बीच सहयोग और सहकारिता के लिए भी आधार प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए चीन और भारत दोनों ही ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे संगठनों में सहभागी है, किंतु वही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जैसे संगठनों में चीन न केवल सुधारों के मार्ग में अवरोध है बल्कि भारत की सदस्यता के लिए भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। साथ ही साथ अजहर मसूद जो कि पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन का प्रमुख है और 26/11 के हमले के लिए जिम्मेदार है, भारत उसे एक वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव कई बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर आ चुका है, लेकिन चीन के द्वारा वीटो पावर लगाने के कारण आज तक ये काम नहीं हो पाया है। वस्तुतः चीन की इस दोहरी नीति का प्रमुख कारण भी भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भूमिका ही है, क्योंकि चीन डरा हुआ है कि अगर भारत इसी तरीके से आगे बढ़ा तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत चीन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर, और कहीं अमेरिका के साथ भारत के नजदीकी संबंध रहे तो फिर चीन को वह संतुलित कर पाएगा। ताइवान जैसा छोटा सा द्वीपीय देश चीन के प्रति संतुलन की भावना उत्पन्न करता है क्योंकि अमेरिका का समर्थन उसको मिला हुआ है। एक पक्ष यह भी है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे संगठन के माध्यम से चीन स्वयं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार और पश्चिमी देशों की अनावश्यक भूमिका को स्वीकार करता है, किंतु उन्हीं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में भारत की सदस्यता के लिए एक बैरियर भी पैदा करता है। चीन के इस दोहरे दृष्टिकोण का प्रमुख कारण स्वयं उसकी कूटनीति है, क्योंकि चीन भारत के रूप में न तो एक विशाल बाजार की उपेक्षा कर सकता है और न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की अपने समान स्तर की भूमिका स्वीकार कर सकता है। वो कुछ जगह पॉजिटिव इसलिए भी है क्योंकि उसे भारत का मार्केट चाहिए, उसे भारत में अपना सामान बेचना है, वो भी जानता है कि बहुत बड़ा भारत में वो एक्सपोर्टर है और भारत उसके सामानों को बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है। दूसरा, वो जानबूझकर कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की उपेक्षा भी करवाता है ताकि वो बता सके कि अभी भारत का महत्व मेरे बराबरी का नहीं हुआ है। यही कारण है कि चीन जहां एक और वन बेल्ट वन रोड जैसी संकल्पना के माध्यम से भारत पर डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिकल प्रेशर बना रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस के साथ निरंतर संबंधों को मजबूत करते हुए भारत और अमेरिका के संदर्भ में रूस से भारत का अंतराल बढ़ा रहा है। वो बार बार रूस से कहता है कि भारत अब तुम्हारा मित्र नहीं रहा, वह बल्कि अमेरिका का मित्र हो गया है। इस तरीके की वह चर्चाएं करके भारत के परंपरागत मित्र को भड़काने की कोशिश करता है।
यद्यपि 21वीं सदी में ये देखना, ये वन बेल्ट वन रोड OBOR के नाम से जानते हैं हम इसको, जियान प्रांत से लेकर पूरे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप, पूर्वी यूरोप, यूरोप, उसके बाद फिर समुद्र मार्ग से भी ग्वादर, ये जिबूती, केन्या, इन सभी के साथ, फिर पाकिस्तान का ग्वादर, इधर हम्बनटोटा, चटगांव, हनोई, हाथवे, इन सभी को विकसित करना चाह रहा है ताकि वह अपने सामानों को दुनिया भर में बेच सके। 21वीं सदी में आर्थिक और तकनीकी दृष्टिकोण के साथ ही वैश्विक नेतृत्व की क्षमता विकसित करते हुए अधिकतम मानव कल्याण जैसे मुद्दे भारत के समक्ष विद्यमान हैं। इनके आधार पर भारत को गतिशील और व्यवहारिक विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिए, किंतु इसके बावजूद भारतीय विदेश नीति के मूल आधार के रूप में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, अंतरराष्ट्रीय शांति, परस्पर समता, संप्रभुता का सम्मान के साथ ही वसुदेव कुटुंबकम जैसे सिद्धांतों को यथावत बनाए रखने की जरूरत है, जिससे भारत न केवल दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति कर सके बल्कि मानव कल्याण की भावना के आधार पर समावेशी विकास जैसे लक्ष्यों तक भी पहुंच सके। इस संदर्भ में भारतीय नेतृत्व द्वारा मध्यस्थ और समन्वय के मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है, जिसके तहत विदेश नीति न तो इतनी उदार हो कि पड़ोसी देशों की संकीर्ण महत्वाकांक्षाएं भारत के हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। मतलब भारत की विदेश नीति इतनी सिंपल भी मत रखिए कि कोई बहरा गहरा जाकर हमें धमकी दे दे, और इतनी कठोर भी मत रखिए कि हम उसके माध्यम से अच्छे संबंध स्थापित ना कर सके। भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी तनाव है, किंतु इसकी भूमिका अब सेकेंडरी हो गई है। पहला टारगेट आर्थिक कंपटीशन का है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा का है, वैश्विक नेतृत्व की क्षमता प्राप्त करने का कंपटीशन है, छोटे पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता के माध्यम से अपने पक्ष में करने का कंपटीशन है, निवेश और निर्यात के संभावनाओं को तलाश और विस्तार करना है, नौसैनिक क्षमता का संवर्धन और समुद्री क्षेत्र में प्रभुत्व की प्रवृत्ति है, सैन्य क्षमता के साथ ही कुशल मानव संसाधन विकसित करने का कंपटीशन, तनाव के साथ गतिशील संबंधों का संचालन, विदेश नीति के संचालन में आदर्श की जगह पर व्यवहारिक और लचीलेपन की प्राथमिकता। PSIR का ही सवाल है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए आदर्शवाद के दृष्टिकोण की मूल मान्यता क्या है, शांति स्थापना के लिए इसकी सतत प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। तो यहां तक की बात हो गई थी हमारी, मतलब अब हमें शुरू करना है चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को समाप्त करने की वकालत। ये लेटेस्ट मुद्दा है, ये वर्तमान में काफी चर्चा में भी है। जब भी चीन और भारत के संबंधों में कोई प्रॉब्लम आती है तो यही चर्चाएं होती है कि हमें चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को समाप्त कर देना चाहिए। और क्योंकि चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। क्या चैलेंज है भाई? चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में हम एक चीज देखते हैं कि इन व्यापारिक संबंधों में चीन के ऊपर हमारी निर्भरता ज्यादा है और हमें व्यापार में घाटा हो रहा है। जब ऐसी परिस्थितियों को देखा जाता है, अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्व लिख लिया था, नहीं पूरा क्यों लिख रहे, जहां जहां मैंने निशान लगाए हैं वही लिखते चलिए, क्लास में देखते चलिए। अरुणाचल प्रदेश वाला करना है, अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्व करना है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर व्यापारिक पर आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश को 1972 से पहले, 1972 से पहले हम नाम रखते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा नाम रखा जाता था अरुणाचल प्रदेश का। अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी जगह है जहां से न केवल चाइना के साथ हम संबंध बनाते हैं बल्कि इसके माध्यम से साउथ एशियन कंट्रीज के साथ या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ संबंधों में भी कनेक्टिविटी आती है। साथ ही साथ यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर गैस के भंडार होने की संभावना है, जैसे इसके नीचे असम में
जो डिगबोई का क्षेत्र है वहां पर नेचुरल गैस या पेट्रोलियम के भंडार भी मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 1972 से पूर्व तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में एक सुरक्षा कवच के रूप में है। जहां चीन एक और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता है, वही भारत इसे अपना अभिन्न राज्य के रूप में स्वीकार करता है। हालांकि समस्त अरुणाचल प्रदेश के लिए दोनों देशों के बीच विवाद नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग भाग है या जिला है, तवांग जिला है, उस पर ज्यादा विवाद है। तवांग अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का यहां पर ये जो जगह है, ये जो रीजन है, इस पर ज्यादा डिस्प्यूट है। बाकी अगर हम बात करें तो तवांग जिले के अलावा बाकी क्षेत्र पर कोई ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं होता है। तो बहुत संक्षिप्त में लिखेंगे आप दो बिंदुओं में कि अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या है पहले, आज क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसके दो तीन रीजन हम दे सकते हैं। पहला तो वह नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा, वो हमारे पूरे बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए सुरक्षा कवच है। तीसरा, उसकी लोकेशन, वो एक तरफ तिब्बत के साथ या चीन के साथ जुड़ता है तो दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी वहां कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। और जो हम बात करें कि पूरे अरुणाचल पर बहस नहीं है, केवल तवांग जिले पर है। अब आइए हम जो मेन मुद्दा है, जिसे हम कहेंगे कि ये संभावना बनती है इस बार आने की, वो है व्यापारिक संबंधों पर। तो पहले कहानी बनाइए दिमाग में। जैसे कई बार हम देखते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मीडिया में चर्चाएं काफी जोरों में आती हैं कि क्या चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को समाप्त कर दे तब जबकि हमें व्यापार में घाटा हो रहा है। घाटे का मतलब क्या हुआ भाई? हमारा सामान चीन में कम जाता है और चीन से सामान ज्यादा आता है। अमेरिका के साथ तो इस संबंधों में इतनी अच्छी बात है कि हमारा सामान ज्यादा जाता है और अमेरिका से सामान कम आता है, तो हमें कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान के संबंधों में भी हमने देखा था कि वहां पर हमें फायदा होता है, लेकिन चीन के साथ संबंधों में हमें घाटा होता है। और दूसरा, सीमा संबंधी विवाद चल रहे हैं, सैनिकों के साथ कई प्रकार के झड़पें भी हुई है और कुछ जगह पर सीमा के नजदीक चीनी सैनिक गश्त कर लेते हैं। तो क्या इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये माना जाए कि हमें संबंधों को समाप्त कर देना चाहिए? तो यहां हमें थोड़ा सा फैक्ट पर गौर करना पड़ेगा। चलो माना कि सीमा संबंधी विवाद है, चलो माना कि हमें व्यापार घाटा हो रहा है, लेकिन क्या इसका समाधान संबंधों या व्यापारिक संबंधों का समापन होगा? क्या उससे सच में हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? पहला सवाल। दूसरा, क्या वर्तमान की 21वीं सदी में हम बगैर चीन के अपने विनिर्माण क्षेत्र को 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे? तीसरा, यदि चीन हमें वो चीजें चीन से जो हम लाते हैं वो नहीं चीन से ले तो फिर कहां से लेंगे? क्या वो हमारे देश में बन पाएगी या हम किसी दूसरे देश से प्राप्त कर पाएंगे? क्या हम इन तीन सवालों का जवाब एक संतुष्टि के साथ दे सकते हैं? पहला, क्या विवादों का समाधान यही है कि आप हर जगह आर्थिक संबंधों को तोड़ दें? यहां तक कि भारत पाकिस्तान के संबंधों में भी मैंने आपसे ये कहा था कि हमें संबंध प्रारंभ करने चाहिए कुछ शर्तों के साथ, क्योंकि 21वीं सदी में बिना आर्थिक संबंधों के आप बाकी संबंधों का समाधान ढूंढ ही नहीं सकते हैं। इस समय जो आर्थिक महाशक्ति होते हैं वही देश बाकी देशों की राजनीति को प्रभावित करते हैं। चीन आज महाशक्ति के रूप में उभर पा रहा है, उसके पीछे रीजन है चीन की आर्थिक शक्ति, क्योंकि वही आर्थिक शक्ति उसे न केवल अपनी पॉलिसी को लागू करने में मदद कर रही है बल्कि उसी निवेश के माध्यम से गरीब देशों की विदेश नीति को अपने अनुकूल कर रहा है। दूसरा बड़ा सवाल कि भाई समस्या का समाधान तो मिलेगा नहीं इसके बावजूद भी। दूसरा सवाल, क्या हम किसी दूसरे देश से उन सामानों को आयात करेंगे तो फिर क्या पाया भाई? आपने क्या ऐसा अचीव कर लिया? ये तो पाकिस्तान जैसी सोच हो गई कि पाकिस्तान ने सोचा मैं भारत से नहीं लूंगा, दूसरों से लूंगा तो महंगा पड़ रहा है,
क्या हम अपने नागरिकों को केवल बिना किसी कारण के चीजें महंगी देना चाहते हैं? ज्यादा बेहतर यह होगा ना कि आप निर्माण करिए खुद, आप उसके निर्माण के लिए माहौल बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप लाइए, नागरिकों को, भारतीय लोगों को सक्षम करिए कि उन सामानों का निर्माण भारत में बन सके। जब तक निर्माण नहीं हो रहा है तब तक प्रतिबंध लगाना मूर्खता है। और तीसरी बड़ी बात, हम जानते हैं कि हमें व्यापार घाटा हो रहा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हमने संबंधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया तो हमारे देश का जो विनिर्माण उद्योग है, जिसका रॉ मटेरियल या उसकी कई सारी चीजें चीन से आती हैं, फिर उस पूरे निर्माण इंडस्ट्री को हम कैसे चला पाएंगे? वो बेरोजगारी, वो सामानों की कमी चौतरफा वार करेगी भारत पर। ना हमारे पास सामान होगा, ना हमारे पास रोजगार होगा। तो हमें पहले अपने आप को इतना मजबूत और बेहतर करना होगा कि हम ये दावा कर सके कि हां, आज अगर मैं चीन के साथ संबंध ना भी रखूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसे पाकिस्तान के साथ है। हमारे पूरे व्यापार का केवल 0.5% व्यापार पाकिस्तान के साथ होता है। हमने पूरे संबंध विच्छेदित कर दिए तब भी हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो या तो हम अपने आत्मनिर्भरता को इतना बेहतर कर ले, या तो हम अपनी क्षमताओं को इतना बेहतर करें कि हम उनके साथ व्यापारिक संबंधों को समाप्त करके भी चीजें बेहतर कर सके, तो दावा करो। तो ऐसे प्रश्नों में स्पष्ट रूप से हम कहेंगे कि नहीं, हमें समाप्त नहीं करने चाहिए। तर्क दे दीजिए नहीं के भी और हा के भी, और फिर एक विश्लेषण दे दीजिए। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा उसके अनुसार हम उसे एक्सप्लेन करते चलेंगे। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो क्या बातें समझ में आ रही हैं कि हमें क्या सोचना है? मतलब अब भले ही मैं बहुत सारी चीजें आपको यहां पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप मेरी ये कहानी समझ गए होंगे कि हमें फैक्ट पर गौर करना होगा। जैसे कि मैं आपको एक और चीज बताऊं कि भारत का पिछले साल चीन के साथ जो व्यापार था वो लगभग 87 अरब डॉलर का है। 87 अरब डॉलर, शायद ये आंकड़ा छोटा लग रहा हो, मैं बड़ा कर देता हूं, 8700 करोड़ डॉलर का है। करोड़ डॉलर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप इस आंकड़े को अभी भी नहीं समझ पा रहे तो 80 रुपए का एक डॉलर पकड़ लीजिए, तो चीन के साथ भारत का जो व्यापार है 8, 8, 64 और 5 लगभग 30 और इसको भी मैंने जीरो बना दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। 7 लाख करोड़, ये कोई साधारण आंकड़ा थोड़ी है। इसमें चीन हमें 67 अरब डॉलर, 60, अब इतने आंकड़ों को मत देखना, बस इस पर गौर करना, 67 अरब डॉलर का हमें सामान बेचकर आ जाता है, चीन हमें बेचता है, और हम केवल 20 अरब डॉलर का सामान ही उसे बेच पाते हैं। मोटे तौर पर कहे तो 47 अरब डॉलर का हमें हर साल नुकसान हो रहा है। लेकिन वो नुकसान इसलिए हम झेल रहे हैं क्योंकि उसने कहीं ना कहीं हमारे विनिर्माण की इकाइयों को रॉ मटेरियल या विनिर्माण के लिए एक विकल्प भी उपलब्ध कराया है। यहां एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जब हमने कोरोना के दौर में प्रोडक्शन कम हुआ था, सभी देशों का प्रोडक्शन कम हो गया था एक तरीके से, कोरोना के दौर में जब सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, एक ऐसी युक्ति होती है, जनरली जो नॉर्मल धातु होती है ना, टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हो जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पुनः बढ़ जाता है। तो जो अर्धचालक होते हैं उन अर्धचालकों का निर्माण, बहुत बड़ा निर्माण का सेंटर चाइना है। तो जब चाइना के प्रोडक्शन कम हुए तो हमारे देश की कार, हमारे देश की गाड़ियों के निर्माण की रेट आधी से भी कम हो गई थी। 6-6 महीने गाड़ियां नहीं मिल रही थी, 6-6 महीने, और जो गाड़ियां मिल रही थी उसमें चाबी जैसी छोटी सी चीज जिसमें सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है, 2 चाबी गाड़ी खरीदने पर दी जाती थी, 1 ही चाबी दी जाने लगी। अब 2 चाबियां वापिस दी जा रही है। तो आप ये बात समझिए कि लोग भले ही कुछ भी कहें,
मतलब जैसे लोगों का दावा ये कहने का होता है कि नहीं हम तो बगैर चीन के भी जीवन यापन कर लेंगे, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो चीनी सामान को कम खरीदे, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भारत में बने सामानों को प्रेफर करे, लेकिन आप संबंधों को समाप्त करने की ऑफिशियल अगर घोषणा करते हैं तो इसका परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ही बुरा हो सकता है। इसलिए हमें अपनी निर्भरता को समाप्त करने का काम करना होगा, तब जाकर चीजें बेहतर हो पाएगी। तो आइए जरा चीजों को समझते हैं। भारत और चीन के मध्य अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में हुए सैन्य टकराव के बाद पुनः एक बार तथाकथित बुद्धिजीवियों और समाचार चैनलों द्वारा चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार को समाप्त करने की वकालत की जा रही है। इस संदर्भ में कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि भारत को चीनी वस्तुओं का पूरी तरह बहिष्कार कर देना चाहिए, जिससे चीन की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जा सके। आइए जरा ये नोट करने जैसी बातचीत रहेगी, तो ये आप मैं पीडीएफ वैसे ही भेज दूंगा, सुनते चलना। हमारा भारत के साथ पूरा चीन और भारत का व्यापार 87 बिलियन डॉलर का है। हर साल 5.6% की दर से ये व्यापार बढ़ रहा है। आपको एक और बड़ी बात मैं बताऊं कि आज से 20 साल पहले भारत चीन का व्यापार मात्र 5 अरब डॉलर का था। 5 अरब डॉलर आज 87 अरब डॉलर का है, 87 बिलियन डॉलर का है। बहुत बड़ा चेंजेस आ चुका है। इसलिए ये वो दौर नहीं है जब आप कहेंगे कि हम अलग हो जाते हैं। भारत द्वारा चीन को कितने का निर्यात हुआ, चीन द्वारा भारत को कितने का निर्यात हुआ, भारत द्वारा चीन को किए जाने वाले निर्यात में 16% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। मतलब हम सामान ज्यादा बेच पा रहे हर साल अब, पर उसकी ग्रोथ रेट कम। पर ग्रोथ रेट से घबराना मतलब ये मत सोचना कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो बेस वैल्यू बहुत बड़ा है। हर साल 47 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा होता है और 2021 में तो ये 57 बिलियन डॉलर का था। मतलब 22 में हमने थोड़ा सा रिकवर किया है। भारत कहां से कितना आयात करता है, तो भारत जितना भी सामान अपने जितनी भी चीजों का आयात करने का डाटा अगर आप लोगे तो 14% आयात भारत का शुद्ध रूप से चीन से है। आप इस आयात को पूरा कैसे रोक सकते हैं, और अगर आप रोक देंगे तो सवाल ये है कि क्या आप भी सस्टेन कर पाएंगे, क्या आप भी उस तरीके से चीजों को बेटर कर पाएंगे जो कि जरूरी है। तो 14% आयात की निर्भरता है, यह आंकड़ा आपको जरूर बताना चाहिए और अमेरिका के साथ भी तुलना करते हुए बताना चाहिए। हमारे जो 5 टॉप कंट्रीज है जिनसे हम आयात करते हैं, चीन, जिसमें सामान है इलेक्ट्रॉनिक से लेकर केमिकल कई तरीके के, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और इराक, ऑब्वियसली ये तीनों देशों के साथ हमारा जो व्यापार है वो मुख्य रूप से पेट्रोलियम वाला है। तो लास्ट की तीनों कंट्रीज तो समझ में आती कि पेट्रोलियम वाली है, लेकिन शुरुआत के दोनों देशों के साथ हमारे संबंध कई प्रकार के हैं, कई अलग अलग दिशाओं वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर हथियारों से लेकर कई सारी चीजें। भले चीन के साथ हमारे हथियार वाले संबंध नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ तो है। भारत चीन से क्या क्या आयात करता है, तो इसको लिखना नहीं, बस एक दिखा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्बनिक रसायन, उर्वरक, कितने करोड़ रुपए की बात आ रही सब, परमाणु रिएक्टर, प्लास्टिक सामान, ये सब कुछ बात हम कर रहे हैं। भारत चीन को क्या क्या निर्यात करता है, हम क्या बेचते हैं, कार्बनिक रसायन, हमारे अयस्क, जो भी हमारे धातुओं से निकला हुआ अपशिष्ट होता है वो भी हम बेचते हैं, खनिज ईंधन, खनिज तेल, खास करके जो हमारे यहाँ पर रिफाइनरी ऑयल होते हैं, 1272 करोड़ रुपए का मछली और मोलस्कन सामान, प्लास्टिक का सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान, खास करके भारत के वे इलेक्ट्रॉनिक गजेट जो कि कहीं ना कहीं भारत में ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। विगत 2 दशकों में भारत और चीन के बीच व्यापार काफी तेजी से बढ़ा है। जहां एक और वर्ष 2000 में चीन के साथ भारत का कुल व्यापार सिर्फ 3 बिलियन डॉलर का था, 23 साल पहले का आंकड़ा देखिए, 23 साल पहले हमारा व्यापार चीन के साथ मात्र 3 बिलियन डॉलर का था महोदय, और आज 87 बिलियन डॉलर का है। मतलब अगर आप मुझसे कहें तो लगभग 29 गुना बढ़ चुका है हमारा व्यापार इन 23 वर्षों में, 29 गुना व्यापार बढ़ चुका है।
इस संदर्भ में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता चीन के साथ निरंतर बढ़ता उसका व्यापार घाटा है। भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा चीन के साथ ही है, जितना व्यापार घाटा चीन के साथ है उतना किसी के साथ नहीं है। तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को चीन से होने वाले आयातित उत्पाद को किसी अन्य देश को विकल्प नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भाई विकल्प या समाधान ये थोड़ी है कि आप दूसरे से लेकर आ गए, समाधान तो ये है कि आप अपने घर में बना सके। तो तब तक आप प्रतिबंध मत लगाइए, तब तक आप विरोध मत करिए जब तक कि आप खुद विनिर्माण करने की स्थिति में नहीं आते। इसलिए विकल्प ये तो तलाशिए नहीं कि चीन की जगह कहीं और से आयात कर लेंगे, क्योंकि चीन की जगह कहीं और से आयात करोगे तो महंगा पड़ेगा, चीन की जगह कहीं और से आयात करोगे तो उस पर निर्भरता बढ़ेगी, चीन की जगह कहीं और से डिमांड करोगे तो व्यापार घाटे में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जरूरी है कि आप अपने विनिर्माण को बेहतर करिए। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की नीति के बजाय भारत को चीन को बाजार के रूप में देखना चाहिए। और ये मत भूलो, हम अगर 140 करोड़ लोग हैं तो चीन में भी 140 करोड़ लोग हैं। है कहां इतनी आबादी और इतना बड़ा बाजार? चीन भी तो एक बहुत बड़ा बाजार है, क्यों नहीं हम चीन के बाजार को बेहतर तरीके से भेद सकते हैं? खाने के मामले में, उनके कई प्रकार के ऐसे सामानों के मामले में जो सांस्कृतिक रूप से, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं या भारत में कई प्रकार के जनजातियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मंगोलाइड लोगों से मिलती हैं, तो या बौद्ध धर्म है भारत में ही उदय हुआ है, इन सभी चीजों की प्रॉपर स्टडी कीजिए और देखिए कि चीन के मार्केट में क्या डिमांड है। हमारे देश में दिवाली होती है तो उनको पता चल जाता है ना कि अब दिए की मांग बढ़ेगी, लाइटिंग की मांग बढ़ेगी, हमें क्यों नहीं पता चल रहा है कि उनके यहाँ पर कौन सा त्योहार है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को तैयार करें। हमें पता चलना चाहिए कि वो किस तरीके की मान्यताओं में विश्वास करते, उस तरीके की मूर्तियां बनाइए, उन्हें पता है कि हमें कौन से देवी देवता चाहिए तो उस प्रकार की मूर्तियां बना लेते हैं। अगर उनकी इंडस्ट्री हमारे ऊपर रिसर्च कर रही है तो क्या हमारी इंडस्ट्री का समय नहीं है कि वो रिसर्च करे, वो जाने कि उनको किस तरीके की चीजों में ज्यादा दिलचस्पी है, हम कौन से सामान उनके सामानों से ज्यादा बेहतर और सस्ते दे सकते हैं। हमारे पास भी कई डायमेंशंस हैं, कई प्रकार के विकल्प हैं, पर ज्यादा जरूरी ये है कि क्या सच में हम लोग इस चीज के लिए तैयार है। तो भारत को यह भी समझना चाहिए कि चीन एक बेहतरीन बाजार भी है, और जहां पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका उस बाजार में हिस्सेदारी चाहता है, हम क्यों पिछड़ रहे हैं? अगर वो सामान हमें बेचने के लिए उतारू है तो हमें भी अपने बेहतर क्वालिटी के सामानों को उसके मार्केट में उतारना चाहिए, क्योंकि वैश्वीकरण के इस दौर में चीन जैसे देश की उपेक्षा करना ना तो उचित है और ना ही संभव। अतः भारत सरकार को अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्तर पर चीन के साथ अपनी व्यापार नीति को अधिक प्रासंगिक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अल्पकालिक नीति का मतलब होगा कि ऐसी चीजें जो भारत में पर्याप्त रूप से बनती हैं, ऐसी चीजें जिनकी भारत में निर्माण की स्थिति काफी अच्छी है, उन सामानों पर चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाए। और दीर्घकालिक रणनीति ये होनी चाहिए कि हम अपने देश को एक विनिर्माण करने वाले देश के रूप में मजबूत करें, ताकि जैसे जैसे चीजें बेहतर होती जाएगी हम अपने आप को मजबूत राष्ट्र के रूप में और एक बेहतरीन महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ा सके। इसलिए संबंधों को तोड़कर नहीं, संबंधों में अग्रणीयता हासिल करके, संबंधों में मजबूती लाकर, अपनी कूटनीति के माध्यम से चीन के ऊपर या चीन के जितनी चीजें हैं वहां पर उसे घेरने की कोशिश की जाए, न कि संबंधों को विच्छेद करें। इस प्रकार के संबंध तोड़कर आप फिर इस पूरे विश्व में अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में उभार नहीं सकते। आज चीन और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच में व्यापार का आंकड़ा जब आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन इन दोनों के बीच का व्यापार इतना बड़ा है। तो ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि आप संबंधों को कैसे टेकल कर रहे हैं, ज्यादा जरूरी है आप अग्रणीयता हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं। भारत को यह भी समझना चाहिए कि चीनी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार संभव नहीं है। इसके बजाय भारत को अपने घरेलू उद्योग को मजबूत करने के साथ ही अमेरिका जैसे देशों की ओर रुख करना चाहिए, जहां भारत का व्यापार अपेक्षाकृत संतुलन की स्थिति में है। हमें थोड़ा सा उस पर भी गौर करना चाहिए, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम की ओर, ताकि हम अपने आप को ज्यादा लाभ की स्थिति में ला सके।
भारत सरकार को अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्तर पर चीन के साथ अपनी व्यापार नीति को ज्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस हेतु भारत को स्वदेशी के साथ घरेलू उत्पाद को बढ़ाना चाहिए, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां चीन से अधिक मात्रा में आयात हो रहा है। एक अन्य प्रमुख कारक के रूप में सरकार को मीडिया को भी विनियमित करना चाहिए। खास करके हमारे देश में कुछ मीडिया पाकिस्तान और चीन का मुद्दा आया कि बहुत उन्माती हो जाते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं और इन मुद्दों को कई बार वो इस तरीके से दिखाते हैं कि बस आज ही युद्ध कर डालो और आज ही चीन को सबक सिखा दो, आज ही बता दो चीन को कि अब हम तुमसे 1962 का बदला लेंगे। और इस तरीके की विचारधारा वाली मीडिया के कारण भारत की सरकार पर भी दबाव उत्पन्न हो जाता है। तो यहां मीडिया को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये दौर युद्ध का दौर नहीं है, ये 21वीं सदी है जहां कोरोना के संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था या दुनिया की अर्थव्यवस्था संभल पा रही है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। रूस यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा और स्थितियां कब नॉर्मल होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये वो दौर है जहां व्यक्ति को अपनी जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा लक्ष्य है और यहां पर ये लोग लड़ने और मारने मिटने की बातें करते हैं। तो पहले हमें थोड़ा सा यहां पर इन्हें भी संवेदनशील मुद्दे पर बताना चाहिए कि चीन के साथ संबंधों को अधिक उत्तेजित तरीके से प्रस्तुत ना करें। चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैन्य शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भाई चीन के जितने भी इकोनॉमिकल रिलेशंस हैं और उसके पास व्यापार की जो पॉजिटिविटी अधिशेष है, 47 अरब डॉलर हमसे ही कमा गया। अब सोचो कि 47 अरब डॉलर हमसे कमा गया तो ये बदमाश क्या करेगा? ये बदमाश 47 अरब डॉलर में 5 अरब डॉलर नेपाल को दे देगा, 2 अरब डॉलर भूटान को दे देगा, 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को दे देगा, 6 अरब डॉलर बांग्लादेश को दे देगा, बचा हुआ कुछ श्रीलंका को दे देगा। हमारे ही पैसों से हमारे ही पड़ोसियों को हमारे ही खिलाफ पूरी तरह से एक तरीके मतलब हम कहेंगे कि गुटबाजी करवाएगा और इसका नुकसान होगा कि कहीं ना कहीं हमें फिर उसे संतुलित करने में कठिनाई होगी। तो ज्यादा जरूरी है कि व्यापार 87 का है ना, 87 का रहने दो, पर कोशिश करो कि हम उसे 40 अरब डॉलर का सामान बेचकर आ जाए अगर वो हमें 47 अरब डॉलर का सामान बेचता है। इस व्यापार घाटे को संतुलित करने का लक्ष्य होना चाहिए, इस व्यापार घाटे को बैलेंस करने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, न कि संबंधों को समाप्त कर देना चाहिए। तो इसी का इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ भी कर रहा है। पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए, तो हमें इसका प्रभाव बताना है कि आर्थिक संबंध और सकारात्मक व्यापार अधिशेष के क्या प्रभाव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक महाशक्ति के रूप में चीन विकसित हो रहा है, कहीं ना कहीं इन आर्थिक महाशक्ति या आर्थिक सक्षमता का उपयोग वह छोटे छोटे देशों में एक तरफा निवेश करके अपने अनुसार विदेश नीति निर्माण करने में कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत जैसे प्रतिद्वंदी देश को वह पड़ोसियों के माध्यम से चुनौती दे रहा है। कहीं ना कहीं इस आर्थिक महाशक्ति के माध्यम से वह विश्व में अमेरिका जैसे देश को चुनौती दे रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन चुका है और उसके विदेशी मुद्रा भंडार की सक्षमता के कारण वह पुनः एफडीआई से लेकर सभी चीजों में अग्रणीयता हासिल कर पा रहा है। ये वो सारे प्रभाव है जिसके फल स्वरूप चीन लगातार एक बेहतरीन रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। बाकी पाकिस्तान के समय भी हमने ऐसा सवाल देखा था, भारत अपने मित्रों को बदल सकता है लेकिन पड़ोसियों को नहीं। भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार संबंध के आलोक में इस कथन पर चर्चा कीजिए। तो याद रखिएगा कि ये जो पूरा प्रश्न है, आप इसमें सारी चीजें बताइए कि हमें बहिष्कार की नीति नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि हमने उसके लिए दो विकल्प, अल्पकालिक और दीर्घकालिक विकल्प अपनाने चाहिए। क्या क्या लिखना है यदि आप मुझसे कहें, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ये जो मुद्दा चर्चा में क्यों आया वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत चीन का द्विपक्षीय व्यापार, टॉप 5 कंट्रीज, उसके बाद विगत 2 दशक से क्या चेंजेस आए हैं 20 वर्षों में, इस संदर्भ में भारत के साथ व्यापार घाटा क्या करना चाहिए पूरा का पूरा। ये लेटेस्ट वाला है तो डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि इस बार भी सवाल ऐसे ही प्रश्न के रूप में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब जरा एक बड़ी चैलेंज जो क्या रहा कि भाई
चीन की डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं यहां सफल मानी जा रही है। ध्यान से सुनना, दूसरे मुद्दे पर आ रहे हैं हम लोग। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। देखो यहां भारत RCEP के मामले में कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है। जरा ध्यान से सुनना क्या बताना चाह रहा हूं मैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट RCEP, एक तरफ रशिया, एक तरफ चीन है, इसको जो लागू करने वाले, जरा ध्यान से देखना, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आशियान कंट्रीज, आशियान देश। अब जरा एक अद्भुत सा सहयोग देखना, हमने जापान से मुलाकात की, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मान लीजिए कि मैं भारत हूं और मेरा जो मित्र है वो जापान है, तो मैंने कहा भाई सब बढ़िया चल रहा है, चीन के साथ कैसे रिश्ते चल रहे हैं? तो जापान कह रहा है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, मैं चीन को पुनः सबक सिखाना चाहता हूं और मैं उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तुम आज भी एशिया की महाशक्ति नहीं हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे लगा कि जापान के और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं है, दक्षिण कोरिया के साथ मिले तो दक्षिण कोरिया ने भी ऐसा ही जवाब दिया। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया और बताओ, तुम पर तो साइबर अटैक किए थे, क्या तुम फिर भी चीन के साथ रिश्ते अच्छे रखोगे? ऑस्ट्रेलिया ने कहा बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं मैं अब चीन को, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि उसको एक तरफा नुकसान पहुंचा और मैं बदला लेना चाहता हूं। हमने कहा ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर आशियान देश, जिसमें कि दक्षिण चीन सागर के साथ कई सारे देशों का विवाद चल रहा है, हमने कहा भाई तुम तो अब सुधरो, तुम्हें अब चीन के साथ नहीं हमारे साथ ज्यादा व्यापार करना चाहिए, दूसरे देशों के साथ व्यापार करो, चीन के साथ अच्छे संबंध मत बनाना, क्योंकि तुम्हें वह कभी न कभी दक्षिण चीन सागर के नाम पर झटका देगा और तुम्हारी कई चीजों को नुकसान पहुंचाएगा। ये आसियान देश भी कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हम बिल्कुल भी उसके साथ रिश्ते नहीं रखेंगे। ये सारे दुश्मन जो भारत के साथ मित्रता दिखा रहे हैं, इन बदमाशों ने बगैर भारत की उपस्थिति के, बगैर भारत की चर्चा के, बगैर भारत के किसी भी प्रकार के समर्थन के, चीन के साथ इस संधि को, इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया। ये सब के सब चीन के साथ मिलकर कह रहे बिल्कुल हम व्यापार करेंगे तुम्हारे साथ और एक तरफा मुक्त व्यापार करेंगे, कोई आने जाने में सामानों में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत कस्टम ड्यूटी कम रहेगी। हमने कहा जापान तुमने एक बार भी भारत का जिक्र नहीं किया कि भारत की क्या आपत्ति है, भारत को भी इस ग्रुप में शामिल करो, भारत की क्या नाराजगी है वो भी पूछ लो, भारत क्यों नहीं इसमें शामिल होना चाहता है एक बार जिक्र करो। ये सारे के सारे बदमाश एक साथ जुड़कर एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी, नाम पर गौर करना, कॉम्प्रिहेंसिव, कोई साधारण ट्रीटी नहीं, समग्र व्यापक बहुत बड़ी आर्थिक साझेदारी की पार्टनरशिप कर दी। हमने कहा हमें तो जब तुम मिले थे तब तो कह रहे थे कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मतलब मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो तुमने अपने मित्र से बात की, क्यों भाई टेस्ट सीरीज दोगे इस बार? बोले कुछ नहीं, क्या फायदा टेस्ट सीरीज का, यूपीएससी के सवाल तो किसी भी टेस्ट में नहीं थे, और पता चल रहा है चार कोचिंगों में टेस्ट दे रहा है वो। फिर किसी ने कहा, कोई मित्र मिला, बिल्कुल भी नहीं, मधुकर सर की क्लास से कुछ नहीं हो सकता है, हमें ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, और बाद में पता चल रहा है केवल मधुकर सर की क्लास से ही PT पास हो गया, केवल उन्हीं को फॉलो कर रहा था। थोड़ी तारीफ भी करनी पड़ती है मास्टर को। तो कहने का अभिप्राय ये कि कई सारे ऐसे बदमाश लोग हैं जो बात यहां पर तो कुछ और करेंगे और जैसी चीजें बदली की कहीं और चली जाएंगे, तो चीजों पर थोड़ा सावधानी बरतनी है। ये रीजनल जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है।
बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वास्तविक रूप में बगैर भारत के, मतलब सोचो ना, एशिया में, एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में इतने बड़े राष्ट्र के, 140 करोड़ की आबादी वाले राष्ट्र के बगैर इन लोगों ने पार्टनरशिप कर दी, मतलब हम अपनी डिप्लोमेसी कहां कहे फिर, हमारी डिप्लोमेसी तो कमजोर पड़ गई। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि हमारे बगैर भी आप बिल्कुल बढ़िया से चल पा रहे हो, मतलब हमारा कोई वजूद है कि नहीं है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी हुई तो कैसे, और एक बार भी जिक्र नहीं किया, ना जापान ने, ना ऑस्ट्रेलिया ने, ना आसियान ने। एक बार तो विचार करना चाहिए था कि भारत से भी बात करते हैं, भारत को भी बोलते हैं, मतलब जैसे हम है ही नहीं भाई। हमारा 140 करोड़ की आबादी है, दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, सॉरी, परचेसिंग पावर पेरिटी के बेस पर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतनी बड़ी सेना लेकर बैठे हैं, 21वीं सदी के बहुत बड़े विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, हमारे इतना बड़ा बेहतर नेतृत्व है, लेकिन आपने बगैर हमारी किसी भी प्रकार की सहमति के, बातचीत के पारित कर दिया, मतलब हमारा कोई वजूद ही नहीं रखा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसको हमें अपने किस तरीके की डिप्लोमेसी, देखो इसको जुड़ना का हमने विरोध क्यों किया। अब आप सवाल के रूप में एक दिमाग लगा सकते हैं कि आखिर हम विरोध क्यों कर रहे हैं। हमने कहा भाई चीन के साथ हमारा मुक्त व्यापार नहीं है, मुक्त मतलब फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड मतलब सामानों को लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। चीन के साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड नहीं है, तब भी हम 67 अरब डॉलर का सामान वो चीन हमें बेच के आ जाता है और 47 अरब डॉलर का हमें लॉस हो रहा है, तो हम टेंशन में कि अगर इसके साथ फ्री ट्रेड हो जाता तो फिर क्या होगा, फिर क्या ये 150 अरब डॉलर का तो नहीं सामान बेचकर आ जाएगा हमें और हमसे 25-30 अरब डॉलर का सामान लेकर जाएगा, तो इतना बड़ा घाटा कौन उठाएगा। और दूसरी बात, ये जो जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान और ऑस्ट्रेलिया इन देशों ने किया, इनके साथ भी कोई चीन के संबंध आर्थिक ऐसे नहीं कि इनको लाभ हो रहा है, ये भी डिपेंड है, इनका भी व्यापार घाटा है चीन के साथ। तो हमने कहा भाई आप ये मुद्दा उठाओ ना, चीन पर दबाव डालो कि भाई तुम्हारे साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, हम तुम्हारे साथ मुक्त व्यापार, तुम्हारे साथ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी तभी करेंगे जब तुम अपने यहां पर संरक्षणवादी नीति हटाओ, हमारे उद्योगों को पनपने दोगे। पर ऐसी कोई चर्चाएं नहीं की और बल्कि उन्होंने ट्रीटी पारित कर दी। तो भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी को एक झटका पड़ गया कि बगैर भारत के भी चीजें चल रही है। तो आइए जरा देख लेते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये पॉइंट समझ में आ गया क्यों हम चिंता कर रहे हैं, ये पॉइंट समझ में आ गया कि हम इसके साथ क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे थे, और ये जरूर समझना है कि अब हम क्या आगे करें कि इस तरीके के कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी को पारित होते समय भारत को इग्नोर ना किया जाए, ये ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम बातचीत करें तो नवंबर 2020 में बीजिंग में 37वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में आसियान देश, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड ने भारत के बिना ही आरसीईपी पर हस्ताक्षर किए, न्यूजीलैंड ने भी। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी क्या होती है भाई, तो एक तरीके से व्यापक समझौता है। 2012 से वैसे इसकी शुरुआत हुई थी अनौपचारिक, लेकिन औपचारिक शुरुआत 2020 में हुई। आसियान और उसके मुक्त व्यापार समझौते के भागीदार सदस्यों के बीच व्यापार नियमों को और सरल किया जाएगा। व्यापार को बेहतर करने के लिए कस्टम ड्यूटी टैक्सेस को घटाया जाएगा। भारत को आरसीईपी में शामिल होने से क्या लाभ हो सकता था, भारत का मुक्त व्यापार बढ़ जाता, आसियान देशों के बाजार मिल सकते थे, जापान और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाला निवेश बढ़ सकता था, व्यापार बढ़ सकता था, मार्केट नए मिल जाते भारत को, इन्वेस्टमेंट भारत का बढ़ जाता, मतलब इन्वेस्टमेंट भारत में ज्यादा आता, नॉर्थ ईस्ट के जरिए व्यापार बढ़ जाता, तो नॉर्थ ईस्ट में सड़क का निर्माण, नॉर्थ ईस्ट का जो इंपॉर्टेंस है या नॉर्थ ईस्ट का जो विकास है वो बेहतर हो सकता था, पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता यदि हम इस समझौते में जुड़ जाते तो। लेकिन हमें नुकसान भी हो सकता था।
हमें नुकसान भी हो सकता था, भारत को आरसीपी में शामिल होने के नुकसान क्या हो सकते थे, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भारत का व्यापार घाटा और बढ़ सकता था, चीन के साथ तो और बढ़ जाएगा, आयात शुल्क खत्म करने से भारत की कृषि आधारित उद्योग, वाहन, दवा और स्टील को प्रभावित होने की आशंका। भाई हमारे उद्योग अभी अभी जो फल फूल रहे हैं, इनका सामान बड़ी मात्रा में भारत आ जाता तो सस्ता पड़ता, तो हमारे उद्योग विकसित नहीं हो पाएंगे, तो फिर से हमारी निर्भरता इन पर बढ़ जाती। आरसीपी से डेयरी व्यवसाय को भी खतरा था, क्योंकि न्यूजीलैंड में जर्सी गाय है, तो न्यूजीलैंड में वैसे भी लोग दूध और चाय को पसंद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकता था। तो भारत ने क्या करना चाहिए, भाई भारत और आरसीईपी की अगर हम बातचीत करें तो भारत ने सबसे पहले आरसीईपी के कारण आयात प्रशुल्क न होने की वजह से व्यापार घाटा और बढ़ सकता था, जो कि ओवरऑल $115 बिलियन का था। तो हमें ये कहना चाहिए था कि भाई हमारे जो चैलेंजेस है, हमारे जो विरोध है, पहले उस पर तो ध्यान दो, चीन पर दबाव बनाया जाए, चीन पर ये कूटनीति लागू की जाए कि वह हमारे उद्योगों के सामानों को उनके देश में बेचने का मौका दे बढ़िया से। आरसीपी द्वारा प्रस्तावित भारत की 92% वस्तुएं अगले 15 वर्षों तक टैरिफ मुक्त हो जाएगी। इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं, वैसे लिखना, लाभ और हानि लिख देना कि लाभ क्या होता और हानि क्या होती। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि निष्कर्ष क्या लिखना चाहिए। आरसीईपी का भारत के बगैर लागू होना निश्चित ही भारत के कमजोर कूटनीति को स्पष्ट करती है। अतः भारत को इन सभी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों एवं व्यापार को मजबूत करने की आवश्यकता है। ताकि इस प्रकार के समझौते से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। बाइलेटरल रिलेशन विद दोज कंट्रीज विच इन्वॉल्व इन आरसीईपी इंडिया इंक्रीज द ट्रेड एंड रिलेशंस सो दैट वी कैन रिड्यूस द निगेटिव इंपैक्ट ऑफ सच टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स। इस तरीके के समझौते में हम अपने नुकसान को कम करने की बस कोशिश करें तो उतना ही बेहतर होगा। तो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा यही है कि आरसीईपी बगैर भारत के भी बन गया। ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो क्वाड बना था ना, क्वाड भारत का, उसको संतुलित करने की चीन की जो नीति थी वो सही कर ली उसने, या उसने बेहतर कर ली। तो एक तो ये मुद्दा है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हुआ तो मैं यही पीडीएफ अब डलवा दूंगा। अब आते हैं एक और बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है चीन की क्वाड के विरुद्ध गुटबंदी। क्वाड, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। हमने भी मतलब कहीं ना कहीं क्वाड बना दिया तो एक बहुत बड़ी सफलता हम कहेंगे। बगैर चीन के एशिया और प्रशांत महासागर के देशों के साथ एक अच्छी शुरुआत की है भारत ने। थोड़ा देखिएगा और सुनते चलिएगा।
अभी इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, भारत और अमेरिका के बीच में नौसेना का एक अभ्यास होता है। नौसेना अमेरिका की और भारत की नौसेना मिलकर एक अभ्यास करती है जिसको कहते हैं मालाबार, मालाबार युद्ध अभ्यास। फिर इसमें जापान को जोड़ा गया क्योंकि जापान को नौसेना रखने का अधिकार अमेरिका ने दे दिया है। अमेरिका की एक संधि हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि जापान कोई सेना नहीं रखेगी, लेकिन चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने जापान को नौसेना रखने का अनुमति दी ताकि चीन को संतुलित कर सके। फिर इसमें जापान शामिल हुआ, जापान के शामिल होने के बाद इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ा अमेरिका ने। तो अमेरिका ने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और स्वयं अमेरिका, इन चारों ने मिलकर नौसेना का एक सामूहिक युद्ध अभ्यास शुरू किया जिसका नाम मालाबार युद्ध अभ्यास है। तो विशेषज्ञों ने इसको एक नाम दिया क्वाड, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, चार देशों का एक तरीके से अनौपचारिक संगठन है। औपचारिक मतलब कोई अभी इसका संगठन संस्था बनी नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बस अभी अनौपचारिक रूप में चारों मिलकर एक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ये चीन को संतुलित करने की रणनीति है क्योंकि चारों ही देश चीन के कॉमन शत्रु है और ये चीन को भी भली भांति पता है कि क्वाड का निर्माण क्यों किया गया है। चीन भली भांति जानता है कि क्वाड के माध्यम से अमेरिका उसे घेरने की कोशिश कर रहा है, चीन जानता है कि क्वाड के माध्यम से भारत भी उसे संतुलित करने का प्रयास करेगा और इसलिए उसने आरसीईपी भारत के बगैर लागू कराकर ये प्रूफ करा दिया कि एशिया में अभी भी उसका वर्चस्व बहुत अच्छा है। क्वाड के इस बनने के बाद चीन लगातार इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां भारत के लिए चैलेंज क्या है भाई? भारत के लिए यहां एक बड़ा चैलेंज है। क्या चैलेंज है? क्वाड अभी इनफॉर्मल है, अगर ये फॉर्मल बन जाए तो भारत इसका लाभ उठा पाएगा फिर, क्योंकि फिर भारत क्या करेगा, धीमे धीमे इसमें बांग्लादेश को जोड़ देगा, बांग्लादेश के बाद नेपाल को जोड़ देगा, दक्षिण एशियाई देशों को जोड़ देगा जिनके दक्षिण चीन सागर के साथ इश्यूज हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बेनिफिट ये होगा कि जहां पर भी आरसीईपी का मामला आएगा तो हम इस मुद्दे को इस मंच पे लाके उन पर दबाव डालेंगे कि तुम चीन के साथ ज्यादा व्यापार मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ चीन हमारे लिए शत्रु के रूप में उभर रहा है और आप उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, तो भारत इससे आरसीईपी का एक तरीके का प्रतिद्वंदी बना सकता है। लेकिन अभी ये केवल सैन्य प्रशिक्षण की, कॉमन प्रशिक्षण की बात है, कॉमन ट्रेनिंग की बात है, एक कॉमन सैन्य अभ्यास की बात है। तो इसको पहले तो आपको औपचारिक दर्जा देना पड़ेगा, अगर वो औपचारिक दर्जा दे दिया तो ही चीजें बेहतर हो पाएगी। और अगर आप औपचारिक दर्जा देने में देरी कर गए तो चीन अपना गेम खेल जाएगा, और चीन ने अगर अपना गेम खेला तो कहीं ना कहीं वो क्वाड से बाकी देशों को अलग करेगा या दबाव डाल देगा। वो नेपाल को कह देगा कि क्वाड में कभी जाना ही नहीं है तुम्हें। तो बहुत जरूरी है कि समय रहते क्वाड का विस्तार किया जाए, समय रहते क्वाड को एक तरीके से ऑफिशियल दर्जा दे दिया जाए ताकि चीजें और बेहतर हो सके। क्वाड का औपचारिक चतुर्भुज सुरक्षा संवाद नाम है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम है क्वाड का। यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। रणनीतिक मतलब स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक मतलब या तो सीमा का, सुरक्षा का या सेना का, इससे जुड़ा हुआ मसला हो सकता है। क्वाड को लेकर चीन चिंतित क्यों है? उल्लेखनीय कि क्वाड खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा का समर्थक है, मतलब क्वाड के चारों देश चाहते हैं कि हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में किसी के भी दबदबे से डरना नहीं है, हम खड़े हैं तुम्हारी मदद के लिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप मजे के साथ जीवन यापन करिए और कोई दादागिरी दिखाए तो हमें सूचित करिए। इस क्षेत्र के चार प्रमुख देशों को एक साथ लाता है, इन चारों ही देशों के साथ चीन के कूटनीतिक संबंध अच्छे नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन।
इसलिए चीन का मानना है कि क्वाड की अवधारणा को चीन के विरुद्ध रणनीतिक तौर पर विकसित किया जा रहा है ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका को सीमित किया जा सके। इस प्रकार चीन क्वाड को अपने विरुद्ध गठित एक संगठन के रूप में देखता है। हालांकि क्वाड समूह में शामिल किसी भी देश ने कभी खुले तौर पर इस प्रकार का बयान नहीं दिया, किंतु क्वाड के गठन का उद्देश्य सभी को पता है। दूसरा प्रमुख विषय है कि चीन दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व की क्षमता के बिंदु पर अमेरिका जैसे देश को खुले तौर पर चुनौती दे रहा है। यह भली मत लिखना, या दूसरा प्रमुख बिंदु ये लिख सकते हैं कि चीन वास्तविक रूप में क्षेत्र में यूनिपोलर चीजें चाहता है, एक ध्रुवीय चीजें चाहता है। वो नहीं चाहता है कि इसका कोई प्रतिद्वंदी क्षेत्र में विकसित हो, वो नहीं चाहता है कि भारत जैसा देश यहां पर उसे चैलेंज दे, वो नहीं चाहता है कि अमेरिका यहां पर उपस्थिति दर्ज कराए, और वो नहीं चाहता है कि इस क्षेत्र में उसकी पावर को कहीं से कहां तक कॉम्पिटिशन मिले। क्षेत्रीय देशों की चीन पर व्यापक आर्थिक निर्भरता, चीन की साम्राज्यवादी नीति तथा वन बेल्ट वन रोड जैसे रणनीतिक पहलुओं के माध्यम से चीन की स्थिति और मंशा को समझा जा सकता है। एक पक्ष यह भी है कि चीन ने प्रारंभ में अपने सामरिक सुरक्षा के पक्ष को मजबूत किया, इसके बाद आर्थिक सहायता के माध्यम से विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों को अपने ऊपर निर्भर किया। चीन न केवल रक्षा के मामले में सक्षम हो गया है, बल्कि दक्षिण एशिया में इस प्रकार से प्रभावशाली स्थिति को भी प्राप्त कर लिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पाकिस्तान और नेपाल के संदर्भ में देख सकते हैं। किंतु अब क्वाड समूह के माध्यम से एक ही बिंदु से सामरिक के साथ ही आर्थिक पक्ष पर भी महत्व दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह चीन की क्षेत्र में भूमिका को सीमित करेगा और अन्य छोटे देशों के समक्ष क्वाड के रूप में ज्यादा लोकतांत्रिक और उदारवादी विकल्प प्रस्तुत करेगा। मतलब हम उन देशों को एक ऑप्शन देंगे कि भाई चीन के साथ क्यों व्यापार कर रहे हो, हमारे साथ करो। चीन तो समाजवादी है, तुम्हारी विदेश नीति को कुचलेगा, तुम्हारी विदेश नीति को बदलने की कोशिश करेगा। हम तुम पर ऐसा कोई दबाव नहीं डालेंगे, तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ, तुम्हें बहुत बेनिफिट और बहुत ही फायदा होता जाएगा। इसके अलावा क्वाड दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी भारत की भूमिका को मजबूती प्रदान करेगा, जिससे चीन का पक्ष कमजोर होगा। चीन इस तथ्य से भी परिचित है कि निकट भविष्य में क्वाड समूह का विस्तार किया जाएगा, इसकी सदस्यता के लिए अन्य क्षेत्रीय देशों को भी अवसर प्रदान किया जाएगा। निसंदेह दक्षिण एशिया के किसी भी देश, विशेषकर बांग्लादेश, श्रीलंका आदि द्वारा इस समूह की सदस्यता से अलग रहना कठिन और अव्यवहारिक होगा। फिर भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत को सबसे पहले क्वाड को औपचारिक स्वरूप प्रदान करना चाहिए, ताकि सदस्य देशों से वार्ता करके वो कहे कि भाई इसका एक ऑफिशियल एग्रीमेंट कर लो, क्योंकि क्वाड के गठन के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे औपचारिक और संस्थागत स्वरूप देना जरूरी है। क्योंकि औपचारिक गठन में विलंब न केवल इस समूह की प्रभावशीलता को कम करेगा, बल्कि चीन को इस समूह के विरुद्ध अन्य देशों को संगठित करने का भी अवसर प्रदान करेगा। साथ ही भारत को अपने पड़ोसी देश विशेषकर श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को भी संज्ञान में लेना चाहिए तथा चीन की मंशा से अवगत कराना चाहिए। यह देश अत्यंत छोटे हैं, लेकिन इनकी अवस्थिति सामरिक और रणनीतिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्वाड में समान विचारधारा रखने वाले अन्य देशों को शामिल करने की जरूरत है। ऐसे देश जिनका चीन के साथ समुद्री सीमा विवाद है, उन देशों को मिलाकर हिंद प्रशांत जैसी पहल प्रारंभ कर सकते। मतलब फिर उसका नाम क्वाड नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वाड मतलब चार देश है, तब उसका नाम हम रखेंगे इंडियन पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ताकि चीन को संतुलित करने के लिए सभी देशों को एक मंच दिया जाए। क्या क्या लिखना है मैं पहले बता दे रहा हूं। चीन की क्वाड के विरुद्ध गुटबंदी, या चीन और क्वाड ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले तो ये लिखना है क्वाड क्या है, चिंतित क्यों है, क्योंकि ये दो बड़े मुद्दे हैं। ये नहीं लिखना है, बट की जगह डायरेक्ट नाउ से लिखना। फिर भारत को क्या करना चाहिए? तो क्वाड का विस्तार करना चाहिए,
अवगत कराना चाहिए। क्वाड को इंडो पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप करना चाहिए। तो एक मुद्दा यह भी है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीन से मिलती चुनौतियों के समाधान हेतु भारत को न केवल विश्व के बड़े देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक औपचारिक संस्थागत तंत्र भी विकसित करना होगा। इस कथन के आलोक में बहुचर्चित क्वाड की कूटनीतिक भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसे भी लिख लीजिएगा। तो ये है भारत और चीन के संबंध। एक तरीके से वर्तमान में दो बड़े मुद्दे हैं, एक तो व्यापार क्या समाप्त कर देना चाहिए, दूसरा आरसीईपी का पारित होना, तीसरा क्वाड के खिलाफ एक तरीके से चीन की रणनीति जो कि आने वाले समय में और स्पष्ट होती जाएगी। क्वाड के कारण एक और चैलेंज खड़ा हुआ है भारत के साथ, वो है रशिया। क्वाड के कारण चीन तो नाराज हुआ ही है लेकिन रशिया भी नाराज हुआ है। उसका कहना है कि भारत जैसे देश ने अमेरिका के साथ इस तरीके के संबंधों को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें रशिया को यह विश्वास दिलाना होगा कि क्वाड का उपयोग आपके खिलाफ नहीं किया जाएगा, ताकि रशिया इस चीज से भारत के खिलाफ कोई गुटबंदी ना करे, या फिर चीन इसका समाधान ढूंढ लेगा कि रशिया के साथ ऐसा संगठन बना देगा जो कहीं ना कहीं फिर भारत के लिए ही चैलेंज खड़ा कर सकता है। तो मोटे तौर पर कहे तो ये भी एक मुद्दा आने वाले टाइम में सामने आ सकता है। यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर का पहला बैच जिसका नाम है प्रतिज्ञा बैच। यूपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू तक की कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे। आपको मिलेंगे भारत के टॉप एजुकेटर्स। वे एजुकेटर्स आपको बताएंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब जिसके लिए यूट्यूब पर आप हमेशा ही इंतजार करते हैं किसी न किसी वीडियो का। इस बैच के ज्वाइनिंग का मतलब है आप प्लस की क्लास तो देख ही सकते हैं, इसके साथ साथ यूपीएससी फर्स्ट ऑफलाइन बैच जो मुखर्जी नगर में टॉप एजुकेटर से बनाया जा रहा है उनकी क्लास को लाइव आप अपने घर पर कहीं भी आप उस लाइव क्लास को देख सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन करिए और अपने सपनों को पूरा करें, अपने यूपीएससी के लक्ष्य को अचीव करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।